गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, अरे आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, सो बस हो यार। गुड मॉर्निंग तो बोल ठीक से। और बंधु सब हाल चाल बढ़िया, सब मस्त है? बोले भैया देखिए, सुबह सुबह एक तो उठा के बुलाए हैं, मन से दुआ तो निकल नहीं रहा है, बोलते आ जाओ 12 बजे 1 बजे तो भी ठीक लगता है। क्या है, सुबह सुबह 8 बजे बुला लेते हैं यार, ना खुद सोते ना किसे सोने देते हैं। और आपको एक पता नहीं एग्जाम के वक्त कितना नींद आता है, सारा साल नींद आए नहीं, एग्जाम के वक्त नींद आता नहीं। बंधु हम लोग एक रिवीजन करेंगे जो टैक्स का, फटाफट एकदम कैसे रिवीजन किया सके। देख अपना जो टैक्स का पेपर होने वाला है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत लेंदी होगा, इतना लेंदी नहीं होगा। मतलब जैसे आप अकाउंट्स में फील किए, जैसे मैंने अकाउंट्स बोला था बहुत लेंदी पेपर होगा, आपको मिला वो लेंदी पेपर, हम बोला था 4 घंटा के भी कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि कम लगेगा, वो हुआ। टैक्स के लिए तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 4 घंटा कम लगेगा। टैक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको सारा प्रोविजंस याद रखना पड़ेगा। अगर सारा प्रोविजन सारा पॉइंट्स अगर याद है ना दोस्त, तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और वही अगर प्रोविजंस भूल गए ना तो बहुत दिक्कत होगा। फिर भी अपना जिस तरह का पेपर आता है, अगर उसको अगर अपने लोग समाप्त करें तो मैं बोलता हूं कि वो बहुत ईजी रहता है, और मोटा मोटी थोड़ा थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीज अगर अपने ध्यान दे लें तो हो जाएगा। तो मैं फटाफट सारे चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगता है, मैं उसको लेकर एक बार रिवीजन करना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं थ्योरी प्रैक्टिकल साथ साथ करते जाऊंगा, जिससे कि अपना कोई भी चीज के ऊपर स्ट्रेस ना रहे, क्योंकि जो टैक्स में थ्योरी भी आता है और प्रैक्टिकल भी है, अपने को दोनों पे कंसंट्रेट करना है। पहले बता दूं, जो आप लोगों को पहले एक बार मार्किंग कराया था थ्योरी याद है, प्लीज वो सब थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं जितना हो सके मैं उतना रिकैप कराने का कोशिश करता हूं। देख ऑब्वियसली 100% तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, किंतु हाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए उसको कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्त अपने लोग जब पहले दिन आपको अगर याद हो, जो पहला जब टैक्स चालू किए थे अपने जो बुक है उसमें से याद कीजिए, यही वाला डेफिनेशन पढ़ाए थे सबसे पहले कि डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं। याद कर एकदम पहला पेज है, पेज 1 अपने बुक का पेज 1 में है, डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं। भाई हम लोग बोले थे टैक्स हुज इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन सेम पर्सन। कीवर्ड क्या है? इंसिडेंस एंड इंपैक्ट, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट, साथ में बोलना इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन सेम पर्सन, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। और वो टैक्स जिसका इंसिडेंस और इंपैक्ट 2 डिफरेंट पर्सन के ऊपर होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। माने इंसिडेंस किसी और के ऊपर और इंपैक्ट किसी और के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, याद है आप लोग बोले थे, क्योंकि इनकम टैक्स क्या है, जो इनकम कमाता है उसी को टैक्स देना पड़ता है। तो इंसिडेंस जिसके ऊपर है इंपैक्ट भी उसी के ऊपर है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या चीज है? सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, वैट, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इंसिडेंस किसी और के ऊपर है और इंपैक्ट किसी और के ऊपर। इसके बाद अगला जो डेफिनेशन हमने एकदम स्टार्टिंग के दिनों पढ़ाया था वो था असेसमेंट ईयर। बंधु ये जो असेसमेंट ईयर है ना, सेक्शन याद रखना है। सेक्शन क्या है? 2(9), सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। असेसमेंट ईयर मींस क्या था? द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1st day ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। इट इज द ईयर जस्ट आफ्टर द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स। माने जिस साल इनकम अर्न करते हैं उसको तो प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और वही इनकम जिस साल जिसको टैक्स करते हैं वो है असेसमेंट ईयर। एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर 1617 इज अ ईयर विच कमेंसेस ऑन 31st April 2016 एंड एंड्स ऑन 31st March 2017। इनकम ऑफ द एसेसी अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर 1516 is assessed in the assessment year 1617. So what is assessment year? वे assessment year वो year है जो previous year के बाद आता है। Previous year में income earn करते हैं, वही income के ऊपर tax कब देते हैं? Assessment year. Assessment year start होता है 1st April of a particular year और end होता है 31st March of next year. ठीक है, तो section कौन सा याद रखना है? 2(9). इसी का भाई ये previous year. Next page में page 6 में अपने यहां देखो previous year है। अब ये तुम लोग पढ़ लेना फटाफट, प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर भी 1st April को स्टार्ट होगा, एंड होगा 31st March को। इट इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। कीवर्ड क्या है? इट इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। अपने लिए प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल कौन सा है? 15-16।
ये भी हो गया। इसके बाद जो इस बार आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है वो है पर्सन का डेफिनेशन। पर्सन, पर्सन सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। पर्सन किसको बोलेंगे? हम लोग देखो क्या लिखा है, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स द फॉलोइंग, क्या क्या? अच्छा, इंक्लूड का मतलब बताया था आपको, याद है ना? क्या बोले थे? ये एग्जॉस्टिव नहीं है, याद है ना? हाँ, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रेसिडिंग कैटेगरीज, एग्जाम्पल गॉड इन टेम्पल, सब समझाया हुआ है। तो जो सीए वाला पर्सन याद रखेगा, तो पर्सन में कितने लोग है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पर्सन इंक्लूड्स कौन कौन? नंबर 1, जल्दी बोल, इंडिविजुअल। सेकेंड था HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग इन एनी ऑफ द प्रिसीडिंग कैटेगरीज। ये वाला चीज याद रख लेना। इसके बाद सुनो ना, तुम लोग का फेवरेट डेफिनेशन था एक तो SSC बोल के, याद है क्या? वैसे पेज 11 में 23 है SSC, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा SSC का डेफिनेशन, पक्का से पढ़ लीजिएगा ये, ठीक है ना? याद है बहुत मारपीट किए थे इस डेफिनेशन लगे, कई कई क्लास इसको वेस्ट किए थे, क्यों? क्योंकि इस बार आएगा ना, इसलिए। नेक्स्ट एक तो था हेड्स ऑफ इनकम, तो हेड्स ऑफ इनकम कौन सा सेक्शन बोला है? सेक्शन 14 में। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 14 में। हेड्स ऑफ इनकम में कितना हेड्स ऑफ इनकम है? 5। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एकदम ठीक है क्या? ठीक। आगे इसके बाद ये सब थ्योरी अगर हो जाए तो आप आ जाएंगे पेज 24 में, रेसिडेंशियल स्टेटस है। तो जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, हमने तो सारे पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा है क्लास में, पर आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। मैं याद करा दूं एक बार, हम लोग बोले थे इंडिविजुअल दो तरह से हो सकता है, या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर रेसिडेंट होगा तो फर्दर वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, या फिर नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया होगा, याद आ रहा ना? अब इसके लिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे मैं वो याद दे रहा हूं। देखिए सेक्शन 6(1) पढ़े थे शायद, देखिए 6(1) रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बोलता है? एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ध्यान रहे एनी वन, मतलब दो ऑप्शन दे रहे, दोनों में से कोई भी एक। पहला, ही इज इन इंडिया इन द क्या? प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ कितना? 182 डेज और मोर, मतलब वो इंडिया में रहा है उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर का बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर समझते हैं आप लोग, उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस की बात कर रहे हैं, कितना दिन रहेगा उसमें? 182 डेज और मोर। दूसरा ऑप्शन है, ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ कितना? 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड फॉर 365 और मोर डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो क्या है बेसिक है? नंबर 1 बोल रहा है कि रेसिडेंशियल स्टेटस 6(1) में बोल रहा है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है। नंबर 1 द SSC और ही इज रिसाइड्स इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। एंड नंबर 2 ऑप्शन दिया है, ही रिसाइड्स इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस एंड 365 और मोर डेज ड्यूरिंग 4 ईयर्स प्रायर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के ठीक पहले 4 साल में कितना? 365 ईयर से ज्यादा दिन रहा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट इन इंडिया। किंतु अगर आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो आप नॉन रेसिडेंट हो जाओगे, याद है ये सब? अच्छा, इसके बाद भैया एक्सेप्शन था कुछ, एक्सेप्शन याद है? क्या एक्सेप्शन था? हम लोग दो कंडीशन पढ़े, कंडीशन 1 और एक कंडीशन 2। एक्सेप्शन में 3 लोग हैं, इन लोगों के लिए सिर्फ कंडीशन 1 माना जाएगा, कंडीशन 2 चेक नहीं होगा। मतलब इन 3 तरह के लोगों के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस जब चेक करते हो तो कंडीशन जो 2 है, जो 6(1)(c) है, वो एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए क्या देखा जाएगा? सिर्फ
618 यानी 182 डेज वाला, मतलब ये तीन तरह के लोग जिनका नाम बोलने वाले हैं, ये लोग 182 डेज और मोर अगर इंडिया में रहेंगे तो ही रेसिडेंट होंगे, नहीं तो रेसिडेंट नहीं होंगे। क्या क्या बोला बच्चे पर? एन इंडियन सिटीजन, क्या लिखा? हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, मतलब कोई अगर इंडियन सिटीजन है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है किस लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए, तो उसके लिए ये एक्सेप्शन है। बी में क्या बोल रहा है? एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन जो शिप है उसका क्रू मेंबर के हिसाब से अगर बाहर चला जाता है तो भी उसके लिए 182 डेज वाला पॉइंट देखेंगे, सेकेंड वाला 616 पॉइंट नहीं देखेंगे। एंड थर्ड वाला, एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ, क्या लिखा है? इंडियन ऑरिजिन हु नॉर्मली रेसाइड आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंडियन ऑरिजिन के हैं, आप बाहर रखते हैं, एनआरआई है, किंतु इंडिया है घूमने के लिए, तो आपके लिए भी कितना दिन देखा जाएगा? 182 डेज और मोर फॉर चेकिंग योर रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है ना। अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट हो गया तो फर्दर वो क्या हो सकता है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसके लिए उसको एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 66 फुलफिल करना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 66 दो कंडीशन है 66 में, रेसिडेंट बनने के बाद अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर दिया तब तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो जाएगा, किंतु अगर दोनों में से एक या दोनों फुलफिल नहीं किया तब वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया होगा। याद आ रहा है सब चीज? क्या क्या था देखो, क्या लिखा है? नंबर वन पॉइंट, ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया, ही हैज बीन क्या बोला है? रेसिडेंट इन इंडिया कितना के लिए? इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। जो अपने प्रीवियस ईयर का बात कर रहे हैं ना, उस प्रीवियस ईयर का ठीक पहला 10 साल में 2 साल वो क्या होगा? रेसिडेंट होगा। ही हैज रेसाइडेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। जो अपना रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसे ठीक पिछला 7 साल में टोटल 730 डेज या उससे ज्यादा रहेगा। अगर दोनों क्लॉज फुलफिल कर दिया तब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं किया या दोनों ही फुलफिल नहीं किया तब वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। देख, रेसिडेंशियल स्टेटस बाकी पर्सन लोग का भी तुम पढ़ लेना, मैं नहीं बोल रहा नहीं आ सकता बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, पर पढ़ लेना जरूर। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्या चीज है बच्चे? इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेक्शन 5। इंसिडेंस ऑफ टैक्स में अपने ये सीखते हैं कि कौन सा पर्सन का कौन सा इनकम अपने देश में टैक्सेबल है, अपना देश मतलब इंडिया, इंडिया में क्या चीज के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, कौन से लोगों को। तीन कैटेगरी ऑफ लोग हैं, एक है रेसिडेंट एंड क्या है? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। एक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और एक है नॉन रेसिडेंट। मैंने आपको इसका शायद शॉर्टकट बताया था, मैं बोला था रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना उसके लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। क्या इनकम? ग्लोबल इनकम मतलब दुनिया के किसी भी कोना से उसके पास इनकम आए तो सारा के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। रेसिडेंट इन इंडिया के लिए क्या जरूरी है? इंडियन कनेक्शन, कोई भी इंडिया से कनेक्शन हो, कैसे भी हो, बस इंडिया 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 टैक्सेबल है। किंतु नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ देखना पड़ेगा या तो अक्रूड या तो रिसीव्ड इन इंडिया हुआ तो टैक्सेबल है, नहीं तो टैक्सेबल नहीं है। देख लेना, इनकम अक्रूड और डीम टू बी अक्रूड एंड रिसीव टू डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों के लिए टैक्सेबल है। इनकम अक्रूड क्या लिखा है? आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड। हाँ, तो एक काम करना, ये वाला नहीं, हम जो शॉर्टकट किया तुमको याद है क्या वाला? हम लोग कुछ ऐसे सिखाए थे, आपको याद होगा तो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। हम बोला था कीवर्ड है इनकम अक्रूड इन इंडिया और एक इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अगर इनकम अक्रूड इन इंडिया रिसीव्ड इन इंडिया है तीनों के लिए टैक्सेबल है। इनकम अक्रूड इन इंडिया रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है
तीनों के लिए टैक्सेबल है. इनकम अक्रूड इंडिया में नहीं किंतु रिसीव्ड इन इंडिया है, तीनों के लिए टैक्सेबल है. याद है क्या वाला बात? सुनो ना, अगर इनकम अक्रूड भी इंडिया में नहीं है और रिसीव भी इंडिया में नहीं, तो क्या चीज चेक करेंगे कि हाँ इस बिजनेस या प्रोफेशन का कंट्रोल कहां है. अगर कंट्रोल इंडिया में है तो पहले दो के लिए तो टैक्सेबल है, किंतु नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है. अगर अक्रूड भी इंडिया में नहीं है, रिसीव भी इंडिया में नहीं है और कंट्रोल भी इंडिया में नहीं है, तो आरओआर के लिए टैक्सेबल है, बाकी किसी के लिए टैक्सेबल नहीं है. याद आ गया? ये शॉर्टकट एकदम याद रखना तो मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा. समझ में आ गया? इस बार संभावना ऐसा है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स के ऊपर ही आपको सम पूछेगा, ऐसा संभावना लग रहा है मेरे को. तो किस टाइप का सम आपसे पूछ सकता है? एक सम साथ में करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा शायद. पेज नंबर 46 में आ जाए. पेज नंबर 46, सम नंबर 19. बंधु क्या आप रेडी हैं? चलिए. कनक अब बांग्लादेशी नेशनल डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15-16. वर्ड पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है. बांग्लादेशी, इंडियन सिटीजन नहीं है, बांग्लादेशी सिटीजन हो गया. ठीक है, बहुत सारा आइटम्स बोला हम पढ़ लेंगे. क्या केस बोला है? डिटरमाइन हिज टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16 इन द फॉलोइंग केसेस. कौन कौन सा? ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया. ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. मैं दो केस दिया है और ये सारा दिया है, तो कैसे करते हैं आपको याद है ना? करें साथ साथ एक ठो. तो चलिए ना दोस्त, करते हैं साथ साथ. अच्छा, करें साथ साथ या फिर आपको फटाफट सोल्यूशन ही दिखा दें? सोल्यूशन देखने से होगा साथ साथ तो भी होगा क्या? चलो ठीक है, फिर एक एक करके बात करते हैं. पहले बात करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे. अच्छा, हेडिंग वेडिंग देना पड़ेगा. कंप्यूटेशन ऑफ क्या लिखोगे? टोटल इनकम ऑफ मिस्टर क्या नाम है, कनक, फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17. मैं आपको दिखाता हूं, देख इस तरह से हेडिंग लिखेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इन इंडिया ऑफ क्या लिखा है, कनक, फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17. अच्छा, दो अलग अलग केसेस को लेकर बात करने बोला. एक बोला रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और एक बोला रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. यही तो है दो केस. एक एक करके बात करेंगे क्या क्या दिया है. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. भैया पहला बोला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन क्या बोला है, बांग्लादेश, रेमिटेड बाई टेनेंट टू हिम इन इंडिया थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सुना, इनकम कहां से आया है? बांग्लादेश. रिसीव तो इंडिया में है ना. ये रेमिटेड का मतलब है इंडिया का अकाउंट में आपका डाल दिया. तो इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, तो किसके लिए टैक्सेबल है? दोनों के लिए, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो. सुना, मेरे को मन कर रहा लिखने का, ऐसा हो रहा नहीं, मतलब मजा नहीं आता है, पता नहीं क्यों. चलो लिख ही लेते हैं. पेज नंबर है 46, सम नंबर 19. मजा नहीं आ रहा है दोस्त. नहीं, एक बार लिख लेंगे तो आपका भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा. चलो ठीक है दोस्त, थोड़ा प्रैक्टिस ही कर लिया जाए ना. लिखते हैं, जैसे सुनो ना, ऐसे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कनक फॉर द, सुनो भैया मैं तो एवाई लिख रहा हूं, एग्जाम में एवाई नहीं लिखना, पूरा लिखना असेसमेंट ईयर, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा. फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17. दो अलग अलग केस है तो दो कॉलम बना लिए. दो अलग अलग केस है तो अलग अलग कॉलम बना लिए. एक है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और एक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट.
एक एक करके लिखते हैं। पहला वाला जो था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में हाउस प्रॉपर्टी तो इनकम अक्रू कहां हुआ है? बांग्लादेश। बट रिसीव्ड इन इंडिया है, तो दोनों केस में टैक्सेबल होगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए भी टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो उसके लिए भी टैक्सेबल। ठीक, आगे चले। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ी तो क्या बोल रहा है। सेकेंड, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर, मतलब इनकम कहां पर अक्रू होगा? सिंगापुर में। कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम सिंगापुर, कंट्रोल भी सिंगापुर में है, एंड प्रॉफिट रिसीव्ड इन सिंगापुर, मतलब इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया और कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया, तो किसके लिए टैक्सेबल है? सिर्फ आरओआर के लिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। बहुत बढ़िया, तो आ जाओ लिख लो सेकेंड वाला, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर कंट्रोल्ड इन सिंगापुर एंड रिसीव्ड इन सिंगापुर, सब कुछ सिंगापुर में हुआ है, तो ये सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इंडियन कनेक्शन नहीं है। ठीक है जी। थर्ड वाला क्या बोला है जरा पढ़े। चलिए, तो थर्ड वाला क्या बोला है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश, अगर बिजनेस इन बांग्लादेश है मतलब, अरे बोला, अक्रूड इन बांग्लादेश, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है इंडिया में, बट प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन बांग्लादेश, केस है इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल इन इंडिया, इंडिया में कंट्रोल है ना, आरओआर के लिए तो टैक्सेबल हो जाएंगे सारा, आरएनओआर मतलब रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल है। अच्छा, अगर नॉन रेसिडेंट होता तो? नहीं, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। एनीवेज, वो तो केस अपना है नहीं, तो चलो लिख लेते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश कंट्रोल्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन बांग्लादेश। ए भाई, बांग्लादेश कितना रुपया था? 10 लाख। दोनों के लिए टैक्सेबल है तुम बोला ना, कंट्रोल इंडिया में आ गया ना, कंट्रोल, कंट्रोल पाजी। चलो जी चलो, ये भी हो गया। फोर्थ नंबर क्या पूछ लिया जरा देख तो लो। देखो भैया, नेट डिविडेंड रिसीव फ्रॉम, क्या लिखा है, बांग्लादेश कंपनी आउटसाइड इंडिया 1 लाख, क्या लिखा है, 35, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 15। भैया क्या क्या है, वापस पढ़ दो। नेट डिविडेंड क्या बोला है, रिसीव्ड फ्रॉम कहां से? बांग्लादेश से। अगर डिविडेंड मिला बांग्लादेश से, मतलब बांग्लादेश कंपनी से, तो इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया है, ठीक है ना। कंपनीज आउटसाइड इंडिया मतलब ये जो रिसीव भी हुआ है कहां पर हुआ है? आउटसाइड इंडिया। बिजनेस अगर बांग्लादेश का है और कुछ नहीं बोला है, तो कंट्रोल भी कहां है? बांग्लादेश। तो सब कुछ तो आउटसाइड इंडिया हो गया, तो ये सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल है? किसके लिए? आरओआर के लिए। आरएनओआर के लिए तो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोला 15,000। सुनो ना, ये टीडीएस कहां कटा है, अपने देश में या बांग्लादेश में? अपने देश में करता ना तो अपने देश का ग्रॉस इनकम लेते हैं, और दूसरे देश से आता है तो नेट इनकम लेते हैं। अपने देश से इनकम आएगा तो ग्रॉस ले लेंगे। सिखाया तो नहीं आज कर अदर सोर्स में,
हाँ अदर सोर्स में ग्रॉस करते थे इनकम को, तो अदर सोर्स के हिसाब से अगर जाए तो इसको ऐड करके 150 लिखना चाहिए। पर ये जो टीडीएस कटा है अपने देश में नहीं कटा, कहां कटा है? बाहर के देश में। अगर बाहर के देश में कोई टैक्स कटता है तो अपना देश को अलाउ नहीं करता है, नेट में जितना इनकम मिला वही इनकम माना जाएगा। अगर विदेशी इनकम है तो विदेशी इनकम है तो मेरा नेट इनकम कितना माना जाएगा? 135। तो आ जाइए दोस्त, लिखते हैं इस बात को, नेट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम क्या, बांग्लादेश ई बांग्लादेशी कंपनीज आउटसाइड इंडिया 135 सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल है, आरएनओआर के लिए टैक्सेबल नहीं है। हुआ हुआ? हाँ भैया हो गया। लास्ट क्या लिखा है जरा पढ़ो तो सही, लास्ट इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ बॉन्ड ऑफ यूके कंपनी आउटसाइड इंडिया। अच्छा यूके का बॉन्ड है ना, तो भैया अक्रूड आउटसाइड इंडिया है, रिसीव भी बोल दिया क्या आउटसाइड इंडिया है, बिजनेस का बाहर का कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया है, तो ये भी टैक्सेबल ओनली फॉर आरओआर है, आरएनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। तो लिख लो जो लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रॉम नहीं ऑन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बॉन्ड ऑफ यूके कंपनी, वो ज्यादा हम नहीं लिख रहा है 45, तुम समझ ही गया होगा बस, और तो कुछ है नहीं। तो अब जो आएगा टोटल इनकम होगा, अलग अलग केस का टोटल इनकम 16, 17, 17C, 11, ये हमारा टोटल इनकम है। मतलब ये आदमी अगर आरओआर है तो कितना इनकम पर टैक्स देगा? 1780। और आरएनओआर है तो कितने पर टैक्स देगा? 11 लाख पे। बोलिए आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया? एक और टाइप का सम है, पेज 55 में आओ, रेसिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक साथ कैसे दे सकता है वो देखते हैं। फिर दे दिया तो कैसे देगा वही आपको बता रहे हैं। तो अब पेज नंबर 55 हमारा जो बुक है उसमें जाएं, सम नंबर 32। दोस्त ये वाला को मैं लिख के सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपको मैं ऐसे समझा देता हूं, लिखने में इसमें टाइम वेस्ट ही करेंगे किंतु आप लोग इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे। आइए मिलके एक साथ ये सम को देखते हैं, क्या बोला जरा देखिए ना, मिस्टर रूपांकर रॉय एंड क्या लिखा है, इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई कौन से पर्पस के लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्शन वाला केस है तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, सिर्फ क्लॉज देख वन देखेंगे 182 डेज, अगर 182 डेज या उससे ज्यादा रहा होगा तब वो रेसिडेंट है, नहीं तो रेसिडेंट नहीं है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में पहली बार गया है बाहर, इसके पहले जन्म से लेकर अभी तक यही पड़ता, हम लोग टाइप आदमी है ठीक है ना। ऑन क्या बोल रहे थे, कब कब निकला है भैया घर से बाहर पहली बार? हाँ गांधी जी के बर्थडे के पहले दिन आजाद हो गया, 1 अक्टूबर 2015। यहां तक ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। He came back to India on क्या बोला है 38 मार्च 16 for visit and returned back to USA after staying कितना डेज, मतलब 30 मार्च को आया 20 दिन रहा घर वाला के साथ और फिर निकल गया। बात समझ में आ रहा है ना। During the previous year 15-16 he earned the following income, कुछ इनकम कमाया है, क्या क्या इनकम कमाया भैया देखो तो बोलता है, सैलरी अर्नड इन यूएसए 5 लाख एंड क्रेडिटेड इन यूएसए, यानी इनकम अर्नड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया वाला केस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया आउट ऑफ फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, इंडिया में फिक्स डिपॉजिट रखा था उससे इनकम है,
डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस, पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो एंड टैक्स इंसिडेंस इन इंडिया, और उसके हिसाब से कौन से इनकम को इंडिया पे टैक्स देना है। तो भैया टैक्स देना तो पहले यह पता करना पड़ेगा ना कि वो आर ओ आर है या आर एन ओ आर है या एन आर है, मतलब रेसिडेंट है ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो उसके लिए क्या चेक करोगे, मैं ये नहीं दिखा रहा हूं, मैं दो मिनट रुक के दिखा रहा हूं, आप समझो चीज को। क्या चेक करना है कि भैया प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन रहा, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा पहले बताओ, पहले चीज को समझ लो। भैया हम लोग का प्रीवियस ईयर है 15-16 में, तो कब से कब तक, 1 अप्रैल 15 से लेके 31 मार्च 16। तो मुझे ये देखना कि इस पीरियड के दौरान वो 182 डेज से ज्यादा रहा है या नहीं रहा है। अच्छा पहले बता, वो जिंदगी में पहले इंडिया से जो बाहर गए एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए कौन से तारीख को गया। भैया 1 अक्टूबर 2015 को निकला है। तो भैया मेरा जो साल है उसको साल को बता रहे हैं, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बात समझिएगा, अगर वो 1 अक्टूबर को पहले निकला, मतलब यहां इस दिन पहले निकला एकदम अक्टूबर का पहला, समझ रहे मेरा बात बंधु, मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो, इसके पहले वो क्या कभी इंडिया से बाहर गया था। तो इसके पहले वाला जितना भी महीना उसमें हर दिन रहा है, अप्रैल में कितना डेज होता है 30, तो 30 डेज इंडिया में था, मार्च में सॉरी मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, इंडिया में था ना। अक्टूबर कितना तारीख को निकला है, तो अक्टूबर को एक दिन था यहां पर। अच्छा याद रखिएगा कि हम लोग फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों काउंट करते हैं, मैंने जिस तारीख को आया होगा वो भी काउंट होगा और जिस तारीख को जाएगा वो डे भी काउंट करेंगे, क्योंकि भैया जितना इंटरनेशनल फ्लाइट होता है ना, मैक्सिमम फ्लाइट का टाइमिंग देखना, तुम अगर कभी ध्यान दिया होगा तो इंटरनेशनल फ्लाइट का यहां से इंडिया से जाने का जो टाइमिंग होता है ना, वो एकदम आधी रात को भोरे भोरे ऐसा होता है, मैं तुमको इंडिया में रहने का मौका ही नहीं देगा उस दिन लोग। और जब रिटर्न बैक करता है ना, वो भी देखना एकदम या तो आधी रात को आएगा या तो एकदम भोरे भोरे 4 बजे पहुंचता है, सारा मैक्सिमम इंटरनेशनल फ्लाइट का बात कर रहा हूं मैक्सिमम। तो इसीलिए क्या होता है ना, हम लोग फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों काउंट करते हैं। अच्छा अक्टूबर में काम के लिए चला गया, नवंबर इंडिया में तो था नहीं, दिसंबर भी नहीं था, जनवरी भी नहीं था, फरवरी भी नहीं था, मार्च में आया था कितने तारीख को, 30th मार्च। मार्च में कितना दिन होता है 31st, तो 30 एंड 31st मार्च में तो दो ही दिन था, और भैया वो तो 20 दिन था, बाकी 18 दिन तो अगली ईयर में घुस गया ना, उससे मतलब नहीं है। तो कितना दिन था समझ रहा है, तो प्लस करो ना कितना रहा है, 30, 31, 61, 91, 122, 153, 183, 184, 186। अगर 186 है तो क्या ये 182 डेज से ज्यादा है, हाँ भैया ये 182 डेज से ज्यादा है, इसका मतलब ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। अच्छा अब आगे देखना ये पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है क्या, ऑब्वियसली है, बोलो क्यों, जिंदगी में पहली बार बाहर गया है। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए दो चीज देखते हैं, दो पॉइंट सेक्शन 66 में, कि पिछले 10 साल में 2 ईयर रेसिडेंट, भाई जिंदगी में कभी बाहर ही नहीं गया था, बचपन से पैदा हुआ तब से बाहर नहीं गया था, इसका मतलब 2 साल तो रेसिडेंट हो गई। और बोलता पिछले 7 साल में 730 डेज और मोर, भैया आप 730 दिन बोल रहे हैं, वो तो एक दिन बाहर नहीं गया था, 730 दिन से ज्यादा था, तो ऑब्वियसली ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। भाई आर एन ओ आर अगर हो गया तो उसके लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, कुछ भी कमाई बच्चे को टैक्स देना पड़ेगा। तो वही बात यहां पर है, देख हम लोग जो बोले वही है क्या, देख समझ ले अब लिखेगा कैसे, ये ड्रॉइंग जरूर बनाएंगे हमेशा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर रॉय वॉज इन इंडिया एज अंडर, पूरा चार्ट बना दिया कितना दिन था प्रीवियस ईयर, मंथ दे दिया, टोटल निकाल दिया 186 डेज, वही निकला ना अपना भी। सिंस मिस्टर रॉय रेसाइडेड इन इंडिया फॉर कितना बोला है 186 डेज एज शोन इन अबव इन द प्रीवियस ईयर 15-16, हेंस ही सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ सेक्शन 61A, ही इज देयरफॉर अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17, रेसिडेंट हो गया। फर्दर ही इज लिविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, हेंस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशन मेंशन इन 66, दस हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द ईयर इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली
रेसिडेंट, प्रूव कर दिया पहला पार्ट। दूसरा दो इनकम हुआ था और हम लोग बोले थे दोनों इनकम टैक्सेबल है, तो सैलरी इनकम भी टैक्सेबल है और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी टैक्सेबल है उसके लिए, तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितना हो गया 620। तो तुम देख रहे हैं मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स साथ में कैसे दे सकता है, तो इस टाइप का सम आने का संभावना है। क्लियर हुआ ये वाला? कहीं आप कॉपी में लिख के रखे ना नंबर, नहीं तो भूल ही जाएगा। हाँ, सम नंबर 32, जो लोग अभी तक सोच रहे थे क्या हो रहा है, सम नंबर 32 हो रहा है दोस्त, 32। जल्दी जल्दी कर ले बंधु, बंधु अच्छा अगर ये हो जाए तो पेज 79 में आएंगे एग्रीकल्चरल इनकम में। इसमें सम नंबर 1 है, एक तो पेज 79 सम नंबर 1, ये वाला इस सब हम लोग पहले भी किए थे। इसमें वो है मतलब एक इनकम जब कमाते हैं तो उसमें एग्रीकल्चरल इनकम कितना है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना है, ये कैसे बाइफरकेट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था कि जब भी आप कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उगा रहे हो या कुछ कर रहे हो उसमें एग्रीकल्चरल इनकम तब तक माना जाएगा जब तक वो फिट फॉर सेल नहीं हो जाता। वंस इट इज फिट फॉर सेल उसके बाद उसके ऊपर कोई भी तुम काम करके अगर आप फर्दर और कुछ बेचता है दैट पोर्शन इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। जैसे कि शुगर केन वाला अपने लोग किए थे, एक बार रिकैप कर लेते तुमको फटाफट याद आ जाएगा। एक्स लिमिटेड ग्रोस क्या बोला है, शुगर केन टू मैन्युफैक्चर शुगर, डेटा फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16। शुगर केन तक जो इनकम है बनने तक उसका, शुगर केन गन्ना वो एग्रीकल्चर इनकम है, किंतु गन्ना से जैसे चीनी बन के बेच रहा है तो चीनी बेचने का जो इनकम है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। अब वो कैसे करते, देखो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, कितना टन शुगर केन उगाए हैं 5000, कितना कॉस्ट लगा 10। शुगर केन सोल्ड कितना बेच दिए, 1000 टन बेच दिए 3 में, तो अभी भी कितना बचा 4000 टन। शुगर केन यूज फॉर शुगर मैन्युफैक्चर कितना टन यूज कर लिए 4000 टन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब शुगर केन से शुगर बनाने का खर्चा 5 लाख। सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी कितना देंगे 6, ये भी बनाने का ही खर्चा है। शुगर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड कितना में बेच दिए, 4000 टन से जो शुगर बनाए 25 में बेच दिए। कंप्यूट इनकम ऑफ एक्स, इसको भी लिखने का मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, सिंपल सा चीज है। देखिए क्या था, दो बना लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग इनकम एक एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग मतलब शुगर बेच के जो इनकम है, पहले मैं एग्रीकल्चरल का बात कर रहा हूं। मैंने बोला था ना शुगर केन सच में बेचो चाहे ना बेचो, शुगर केन का मार्केट वैल्यू से उसका कॉस्ट कवर कर कंपेयर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम, और बाकी जो इनकम कमाए होंगे वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। जैसे कि सेल ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स इन मार्केट, मतलब शुगर केन 1000 टन बेचे थे ना कितने में 3 में, बाकी 4000 टन बेचे थे क्या नहीं, किंतु हम लोग उसका मार्केट वैल्यू पता कर लेंगे और उसको सेल वैल्यू मान लेंगे, किसका 4000 टन का। सुना 1000 टन का अगर 3 लाख दाम है 1000 टन का, तो 4000 टन का कितना दाम होगा इंटू 4 दैट इज 12, बोलो ना। हाँ ठीक, तो वही लिखा है देखो, नोशनल सेल मतलब झूठ मूठ में सेल मान रहे, सेल हुआ नहीं मानेंगे, ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूज इन द क्या प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 4000 टन, उसका वैल्यू कितना देख भाई 12 लाख। तो जो 4-5000 टन बनाए हैं टोटल, अगर पूरा बेच देते तो उसका सेल वैल्यू कितना मिलेगा 15। बनाने का खर्चा तो बोला था देखो यहां पर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना 10, तो 15-10 ये जो 5 आ रहा है ना बच्चे, ये क्या है मेरा एग्रीकल्चरल इनकम। अब शुगर बेच के क्या इनकम माना जाएगा, सुना शुगर बेचने के लिए कितना टन शुगर केन यूज किए, 4000 टन, तो 4000 टन का जो मार्केट वैल्यू है वो प्लस शुगर बनाने में जो जो खर्चा लगा है वो कॉस्ट है और सेल वैल्यू दिया ही है। तुम देखो शुगर को बेचने का दिया हुआ था, बेच के कितना मिलेगा 25, तो ये सेल वैल्यू। कॉस्ट में क्या क्या ले रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन तो दे दिया था 5, ये जो 4000 टन शुगर केन था इसका मार्केट वैल्यू भी पता किए थे 12, ये भी कॉस्ट है,
और एक स्टाफ को सैलरी दिए थे 6, तो टोटल मिला के कितना हो गया 23 कॉस्ट। 25 में बेचिए, 23 कॉस्ट है, तो बाकी 2 का इनकम है। ये कौन सा इनकम है? मैन्युफैक्चरिंग, या फिर ऐसे बोलो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। इस टाइप का सम कभी आया नहीं है, किंतु नहीं आएगा ये बोलना बड़ा मुश्किल है। हमको लगता है इस बार इस टाइप का सम आ सकता है। एग्रीकल्चर इनकम हर टाइप का सम दे दिया, बस इस टाइप का सम एक बार भी नहीं दिया है। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? इजी है, टफ नहीं है, बस दिमाग लगाने वाला चीज है। इसके बाद एक और चीज जो आपको करना पड़ेगा वो है आपको टैक्स निकालने वाला चीज। टैक्स वाला फंडा पूरा याद है ना? अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो टैक्स कैसे निकालते हैं? इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक दिखाना चाहता हूं, एग्जाम्पल 2। ये मैं सॉल्व करूंगा, मैं यहां जैसे किया नहीं, मैं सॉल्व करूंगा इज्जत से। मिस्टर एक्स एज कितना बोल रहा है? 42। हैज नॉन एग्रो इनकम कितना? 450। एंड एग्रो इनकम कितना है? 130। बोले इसका टैक्स निकाल के दो। याद है इसका टैक्स में 3 स्टेप था। क्या स्टेप है हम कर रहे हैं दोस्त? मैं बता दूं, सम नंबर 2 मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 80 है बाय द वे। पहले हम लोग बोले थे कि आपका एग्रो इनकम प्लस नॉन एग्रो इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे। हमारा एग्रीकल्चरल इनकम है 4,50,000 और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 1,30,000। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 5,80,000। मुझे 5,80,000 में पहले टैक्स पता करना है। कैसे निकालेंगे टैक्स? आपको याद हो गया वाला स्लैब रेट। स्लैब रेट फर्स्ट 2,50,000 पे नील, फिर 250 से 5,00,000, 250 से 5,00,000 2,50,000। तो नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10%, 25,000 का टैक्स। फिर 5,00,000 से 10,00,000 था, पर अपना तो उतना इनकम ही नहीं, 5,00,000 हो गया, तो बाकी कितना बचा? 80। तो बैलेंस 80,000 पे 20% टैक्स है, यानी कितना? 16,000। समझ में आ रहा है भैया? इन सबको आप जोड़ लें, इन सबको जोड़ लें, कितना आ रहा है? 41,000 टैक्स आ रहा है। ये थोड़ी ना आंसर है। अब ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 में अपने लोग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रो इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे। मेरा बेसिक एग्जेम्पशन था 2,50,000, एग्रीकल्चर इनकम 130,000, यानी कितना हो गया? 3,80,000 हो रहा है ना, इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे 380 के ऊपर। 380 के ऊपर कैसे टैक्स निकलेगा? वही भैया सेम, फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर नील, फिर 2,50,000 से 5,00,000, अपना तो 5,00,000 तक इनकम है नहीं, 380 है, तो 250 से कितना ज्यादा है? 130। तो नेक्स्ट 1,30,000 पे कितना परसेंट? 10%, कितना होगा? 13,000। तो टैक्स निकला 13,000। याद आ रही है वाला स्टेप्स? ये जो स्टेप 1 में टैक्स निकला उसे स्टेप 2 का टैक्स क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 41,000 माइनस 13,000 करने से आ रहा है 28,000। सही में टैक्स कितना है? 28। किंतु रुको, हम लोग बोले थे पहले क्या मिलना चाहिए? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट कब मिलेगा? जब हमारा इनकम 5,00,000 से कम हो। कौन सा इनकम? नॉन एग्रो इनकम। कौन सा इनकम? मेरा नॉन एग्रो इनकम कितना है? 4,50,000। तो भैया 5,00,000 से कम है तो रिबेट मिलेगा। कितना मिलता है रिबेट पता है? एक्चुअल टैक्स और 2,000 विच एवर इज लोअर। एक्चुअल टैक्स कितना है? 28,000 और 2,000, 20 में लोअर कौन सा है? 2,000। तो वही रिबेट मिल जाएगा मुझे कितना? 2,000। तो बचा कितना? 26। अब इसके साथ आपको ऐड करना है ईसी एंड क्या? SHEC। एट द रेट कितना परसेंट था? 3%। तो भैया 3% आता है 780। कर कितना हो रहा है? 26,780। तो हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी हो गया 26,780। टैक्स लाइबिलिटी हो गया 26,780। तो जब भी एग्रीकल्चर इनकम हो और टैक्स निकालने बोले कैसे निकालोगे?
एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स निकालो, फिर बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स निकालो, अब दोनों टैक्स को माइनस कर दो। उसके बाद नॉर्मल स्टेप, पहले रिबेट, फिर ECNSHEC, आपका टैक्स लाइबिलिटी निकल जाएगा। करवाए थे याद है कि वाला, ये वाला सम भी अपने लोग किए हुए हैं पहले। बच्चे अगर आपका हो जाए तो एक बार पेज 78 में आएंगे। वेट है ना, इनकम जिसमें पार्टली एग्रीकल्चर पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो अलग को अपने को थोड़ा बात करेंगे। बच्चे ये हो गया ना आप लोग से, आइए जरा ये वाला देखिए फटाफट। ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली नॉन एग्रो, मतलब कुछ कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है जिसमें पूरा इनकम को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते। याद दिला दूं, ए सुनो, पहला वाला क्या है, बिजनेस ऑफ ग्रोइंग ए मैन्युफैक्चरिंग, क्या टी अगर उगाएंगे तो 60% एग्री एंड 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। किंतु रबड़ अगर उगाएंगे तो टांग के थोड़ा लंबा कर देना, 60 की जगह क्या हो जाएगा 65 एंड 35। कॉफी का अगर आप सिर्फ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कितना है 75 और 25, थोड़ा और टाने हैं। किंतु सुनो ना, अगर उसको क्योर्ड एंड रोस्टेड भी कर देते हैं, क्योर्ड एंड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, समझ रहे हैं ना, तब हम बोला था कॉफी चाय हो जाता है, कॉफी चाय हो जाता है मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा 60 एंड 40। ये परसेंटेज थोड़ा याद रखना है, याद है ना, इसके एक सम किए थे घर में, कर लेना पेज 87 में सम नंबर 15, ये पहले कराया हुआ है, ऐसे देखते देखते ही हो जाएगा। ये वाला मिस रंजिता बोस इज 60 इयर्स ओल्ड एंड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16। कंप्यूटर क्या लिखा है, टैक्सेबल इनकम फॉर क्या असेसमेंट ईयर 16-17। दो इनकम दिया, ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, अच्छा टी बना रहा है, अच्छा इसमें क्या बोला तुमसे, टैक्सेबल इनकम बोला है ना, एग्रीकल्चरल तो एग्जेम्प्टेड है तो टैक्सेबल कौन सा है, नॉन एग्रो, तो टी में 60 एग्रो है 40 नॉन एग्रो, तो कितना लेंगे 40% लेंगे इसका। और भैया बोल रहा है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, रबर टान दो थोड़ा, 65% नॉन एग्रो सॉरी एग्रो एंड 35% नॉन एग्रो, इसमें 35% टैक्सेबल होगा, बोलो हाँ। अब सोल्यूशन देखना है तो देख लो, सोल्यूशन में भी क्या यही लिखा है जरा देखो, तो मैं देता हूं जरा टाइम देख लो जरा। हो गया बंधु, अरे बंधु हुआ, अच्छा आप देख लो ना, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी वो 40% लिया है और रबड़ के लिए कितना लिया है 35, तो टोटल इनकम तो इस टाइप का आ सकता है आपका एग्रीकल्चरल से। फिर एक छोटा सा चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर है, सैलरी। इस बार 20 नंबर का आएगा, हर बार 10 रहता है, इस बार 20 नंबर आएगा। क्यों आएगा ये भी आपको बताए थे शायद, क्या हट गया है, वेल टैक्स। तो वेल टैक्स का 10 नंबर किसको दे दिया गया, सैलरी को, बोला भाई तू एंजॉय कर के, तू इस लायक है। तो भैया पेज हम सारा प्रोविजंस में नहीं जा रहे हैं, एक एक उस टाइप का सम करते हैं तो प्रोविजन अपने आप ही याद आ जाएगा आपको शायद, या आप मेरे को याद दिला देना ऐसे बोले। पेज 187 में सम नंबर 76 देखेंगे, पेज 187 या आइए जरा सम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है।
बच्चे लोग जरा एक बार आप सम पढ़िए क्या बोल रहा है। पढ़े क्या? देखिए क्या बोल रहा है, एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अलाहाबाद। कहां पर है भाई? अलाहाबाद। ये मेट्रो सिटी है क्या? नहीं मेट्रो सिटी तो नहीं है। ही ड्रॉस सैलरी कितना? 3600 पर मंथ एंड हाउस रेंट अलावेंस ऑफ क्या लिखा है? 900 पर मंथ। तो सैलरी इतना है और अलावेंस इतना है। अच्छा कौन सा अलावेंस है ये? हाउस रेंट अलावेंस। ही पेज मंथली रेंट ऑफ 1050 फॉर हिज रेंटेड हाउस। और रेंट कितना रहता है? 1050। एसेटेन द अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलावेंस एग्जेम फ्रॉम टैक्स। एचआरए का एग्जेम्पशन पढ़े थे अपने लोग, कौन सा सेक्शन में जाते हैं? सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, 10 13A। मेरे को प्रोविजन याद कर ले। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 13A। नंबर 1 एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। नंबर 2 हाँ अलाहाबाद है। अगर मेट्रो सिटी होता तो 50%, मेट्रो सिटी तो नहीं है, 40% ऑफ सैलरी। एंड थर्ड था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एंड हियर सैलरी मींस बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। हम लोग जो सम देखे इसमें बेसिक तो है, डीए नहीं है, कमीशन नहीं है। ठीक है काम तो आसान हो गया सिंपल डेक्वेशन में, चलिए फटाफट एक बार कर लिया जाए। बहुत ही सिंपल है दोस्त, एक बार कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। एक दो ठो लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ही हो पाएगा। 76 पेज 187 हमारे बुक का पेज 187 लिखने का सही लिखवाए थे आपको। कैलकुलेशन ऑफ क्या? टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस पूरा लिखना। हम एचआरए लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखोगे एग्जाम में। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए ऑफ नाम क्या है? मिस्टर एक्स फॉर द, मैं एवाई लिख रहा हूं, तुम पूरा लिखना असेसमेंट ईयर 16-17। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा प्रोविजन याद रखा है, पूरा भूला नहीं है गजनी के जैसे। ठीक है ना? आओ दोस्त लिखते हैं। दो कॉलम बनाओ, एक इनर डिटेल्स एक आउटर अमाउंट। भैया एक मिनट दीजिए ना, फटाफट हम कॉलम बना ले बना ले। इतना बात करता है ना, उफ। ओहो एग्जाम के बीच में 4 घंटा जो इतना बात किया। बंधु आइए फटाफट अपने लोग लिखते हैं। पहले लिखेंगे क्या? हाउस रेंट अलावेंस रिसीव्ड। हाउस रेंट अलावेंस था 3600 का था ना पर मंथ, एक साल का क्या होगा इंटू 12, 3600 इंटू 12 होता है 3612 भी है ना? ओ अच्छा सैलरी है वो तो, अरे 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 900 सॉरी माय मिस्टेक। ये जसराज ऐसा है ना, कंसेंट्रेशन तोड़वा दिया, तुमको फेमस कर रहे हैं। 10,800 लेस एग्जेम्प्ट
अंडर सेक्शन नहीं, ऐसे नहीं लिखते हम लोग ऐसा स्टाइल नहीं था. लेस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(13)(a). ठीक ठीक ठीक. पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड. एक्चुअल एचआरए तो यही वाला है 10,800. नेक्स्ट है क्योंकि मेट्रो सिटी में इसलिए 40% ऑफ सैलरी. तो यहां सैलरी था 3600 पर मंथ, तो एक साल का 1/12 इसका 40%. 3600 इंटू 12 आता है 43,200 है दोस्त. इंटू 40% करने से 17,280. बोलो ना हाँ. अरे नालायक हो, बोलो ना हाँ. हाँ, थर्ड वाला रेंट पेड माइनस क्या 10% ऑफ सैलरी. भैया रेंट कितना करके था, मैं रेंट कितना करके था 1050, यही था ना रेंट पेड. यस और नो? एक साल का तो इंटू 12 दिस इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी होगा 3612. बेसिक है डी और कमीशन नहीं था. 1050 इंटू 12 माइनस ये आएगा 4320. 8280 आ रहा शायद, देख 8280. मेरे नलाई को फटाफट हाथ चलाओ, लिखना जरूरी है दोस्त. जो बच्चे नहीं लिख रहे वो घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मत लिखो, मैं खुद ही निकाल दूंगा. लिखिए जल्दी कर. तो इन सब में से हाईएस्ट वाला एग्जाम्प्ट है ना, लोएस्ट. लोएस्ट कौन सा है? 8280. तो 10,800 में से 8280 एग्जाम्प्ट हो जाएगा. तो बाकी क्या बोलेंगे इसको? टैक्सेबल. तो 25 कितना बोल रहा है? 20. लिख लेना बच्चे, ये टैक्सेबल एचआरए. नहीं तो साथ साथ लिख लो तो लिखने का एक आदत हो जाता है. क्या होता है कि तुम लोग तो लिखता नहीं ना घर में, तुम लोग तो रीडिंग करता है, यही दिक्कत है. बोलिए बंधु, यहां तक ठीक है क्या? अगर आप कोई हो जाए तो पेज 195 में आएंगे. पेज 195 में सम नंबर 88. 195 सम नंबर 88 पहुंचे क्या? देखिए ना, सम नंबर 88. आओ दोस्त जरा देखें क्या सब इंग्लिश में लिखा है. ये ग्रेच्युटी का सम, ग्रेच्युटी याद है? हाँ, वो तो पूरा प्रोविजन तो तुम लोग पढ़े गई, एक तो सम कर लेते हैं उस टाइप का. अच्छा, ग्रेच्युटी में मेनली दो था ना, मैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बात नहीं कर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. एक तो कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, एक तो नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट. प्रोविजन एक बार दोहरा लेते हैं. अगर कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(2) ही था ना. एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, स्टैट्यूटरी लिमिट मैक्सिमम लिमिट 10 लाख, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ. यहां कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में था, अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे, अपर राउंड ऑफ ना. नहीं नहीं भैया, 6 मंथ से ज्यादा होगा तो अपर राउंड ऑफ. ठीक है. एंड हियर सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए, फॉर्मिंग पार्ट फॉर्मिंग पार्ट का चक्कर नहीं था. अगर हम लोग बोलेंगे ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, तो उसका रूल ऑलमोस्ट सेम है. लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(3). नंबर 1 एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख, नंबर 3 हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ. यहां पर कंप्लीटेड ईयर सर्विस अगर होगा, इग्नोर फ्रैक्शन. मतलब किसी का सर्विस अगर 10 ईयर 11 मंथ्स भी है ना, 10 ईयर्स ही माना जाएगा. लोअर राउंड ऑफ होगा हमेशा, अपर राउंड ऑफ नहीं होगा.
एंड एवरेज सैलरी मीन्स एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस मंथ रिटायर कर रहा है उसके पहले वाला 10 महीना का एवरेज सैलरी लेना है. एंड हियर सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर. अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताया था डीए के बारे में, अगर फॉर्मिंग पार्ट नॉट फॉर्मिंग पार्ट नहीं बोले तो हमेशा क्या मानेंगे, फॉर्मिंग पार्ट मान के सम करेंगे. याद आ गया सब, सम पढ़ लेते हैं, मतलब प्रोविजन हो ही गया, सोचे थे नहीं बोलेंगे, हो ही गया, पता नहीं कैसे. चलो आगे. मिस्टर घोष वाज क्या, जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी. ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन, कब रिटायर किया, 31/12/15. आफ्टर 30 इयर्स एंड 8 मंथ्स ऑफ सर्विस ही रिसीव्ड अ ग्रेच्युटी ऑफ 1,75,000. हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जब दिसंबर में रिटायर कर रहा था ना, तब सैलरी कितना था, 7,000. इन द मंथ ऑफ जून 2015 ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 500. मैंने जून से उसका सैलरी 7,000 हुआ होगा, जून के पहले 500 कम था, यानी 6,500 करके था उसका सैलरी. फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ, क्या बोला है, टैक्सेबल ग्रेच्युटी. दोस्त पहले तो ये बता कि ये कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट बोला है नॉट कवर्ड, कहां लिखा है कवर्ड, कुछ नहीं बोला है ना, तो अपने मन से तुम कुछ भी कर सकते, किंतु बेटर है नॉट कवर्ड. तो कुछ नहीं बोला तो हम क्यों कवर माने, तो कुछ नहीं बोलता तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं हमेशा, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट. तो नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट लेके अपने लोग सबको सॉल्व करेंगे. तो लिखना क्या है वो तो तुमको पता ही है, तो चलो लिखना चालू करो. चलो दोस्त लिखना चालू करो. क्या लिखेंगे भैया, कौन सा सम कर रहे हैं, नंबर 88, 228, ये 228, पेज 195. ये लिखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी, मैं ठीक बोल रहा हूं ना, टैक्सेबल ग्रेच्युटी ऑफ मिस्टर घोष फॉर द असेसमेंट ईयर. ये बच्चे असेसमेंट ईयर क्या आपने 16-17. ये हेडिंग अगर नहीं लिखोगे ना बच्चे तो -2 हो जाएगा, -2. हमको तो लगता मार्क्स ही नहीं देगा. लिखने से दोस्त लिखने का कुछ नहीं मिलता, नहीं लिखने का काट लेते हम लोग. ये अपना देश है दोस्त, यहां पर अच्छा काम करने से कुछ नहीं मिलता है, बुरा काम करने से पनिशमेंट जरूर मिलता है. ठीक है, आओ डिटेल्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स. चलो 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 फटाफट. अरे बंधु पहले लिखो ग्रेच्युटी, ए ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ था, 1,75,000 लेस, जैसे बोले थे अभी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज क्या, एग्जेम्प्ट. हम लोग नॉट कवर्ड ले रहे हैं ना, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन, हा 10-10-3, और अगर कवर्ड होता तो 10-10-2. आइए दोस्त आइए फटाफट. हा ए एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव कितना है, 1,75,000. मैं ठीक बोल रहा हूं ना. दूसरा वाला था मैक्सिमम लिमिट, बच्चे मन के सच्चे मैक्सिमम लिमिट कितना है, 10,00,000. लात नहीं, लाख है. थर्ड वाला हाफ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ. सुनो ना बच्चे, हाफ तो हाफ होता है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में फ्रैक्शन लोगे नहीं लोगे,
नहीं लेंगे लोग 30 इयर्स 8 मंथ्स बोला है तो इग्नोर फ्रैक्शन, तो कितना इयर्स 30 इयर्स। अब एवरेज सैलरी लेना है कितने मंथ्स का, लास्ट 10 मंथ्स। सुनो ना, सुनो सुनो, 10 मंथ्स कौन सा लेते हैं, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। ये रिटायर कौन से मंथ में कर रहा, मंथ को देखो, दिसंबर, मेरा बात समझ रहे हो, इसका मतलब 10 महीना नवंबर से होगा, नवंबर से पिछला 10 महीना, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए फरवरी से नवंबर होना चाहिए ना, काउंट कर लेते हैं कहीं गलत नहीं हो जाए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ फरवरी से नवंबर। तो भैया तो क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है जब रिटायर किया था तब तो सैलरी 7000 था, तो उसके पहले कौन से महीना से बोल रहा है, जून महीना से सैलरी 500 बढ़ा था तब ना 7000 हुआ था, यानी जून के पहले उनका सैलरी 6500 था। तो तुम चाहो तो पूरे नौटंकी करके स्टाइल से दिखा सकते हो, मैं यहां पर अगर 3-4 लाइन का जगह छोड़ दूं, मैं यहां लिख सकता हूं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ। सुनो ना, मंथ लिख रहे हैं अप्रैल, अप्रैल 05 से स्टार्ट हुआ, मेरा बात समझ है, 05 क्यों बोल रहा हूं, 05 नहीं सॉरी, अप्रैल 2015, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके आगे जाएं क्या, मैं पागल हो गए हैं क्या, आप क्यों लिख रहे हैं अप्रैल फरवरी, क्या कर रहे हैं आप, आपको लास्ट 10 मंथ्स लेना है, आप कोई भी मंथ्स लिखेंगे चलेगा क्या, तो 10 मंथ्स अभी बोले थे कहां से कहां तक, हाँ ये सब नहीं भैया, अभी इसीलिए तो मैं देख रहा था कि सब लिखना चालू कर दिया, अभी बोले कहां से कहां तक, फरवरी से लेके नवंबर तक। दोस्त ऐसे गलती मत करना, मैक्सिमम लोग ये करते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ये सब गलती जानबूझ के अभी दिखा दे रहा हूं कि गलती ना हो, ये सब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लिखें, दिसंबर से पहले तक लेना है 10 महीना, टोटल लिख देंगे। सुनिए ना, जिस दिन रिटायर किया था उस वक्त सैलरी कितना था, 7000, 500 रुपया कौन से महीना से बढ़ा है दोस्त, जून महीना से, तो जून महीना से 7000 हुआ है, तो जून के पहले 500 कम था, यानी 6500 करके था, बोलो ना, ये बेसिक है बेसिक, और बाकी फिर 7000 करके, एक दो तीन चार पांच छह 42 और 1 2 3 4 26 42 26 68000। बेसिक के बाद प्लस क्या करना है, डीए, डीए कितना था सब मैं देखता हूं, अरे हां सब में तो डीए दिया ही नहीं है, और डीए के बाद कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर भी तो नहीं है, तो 68000 निकल गया, ये क्या है 68000, पहले ये बता दे 68000 क्या है, क्या एवरेज सैलरी नहीं है, टोटल सैलरी है 10 मंथ्स का, तो लिख दो सैलरी ऑफ 10 मंथ है, ये सैलरी ऑफ कितना मंथ, 10 मंथ, दिखाते हैं दोस्तों को सैलरी ऑफ 10 मंथ, पर अपने को ये सब नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, एवरेज सैलरी पर मंथ, दिस विल बी 68000 डिवाइडेड बाई 10, 6800, अरे बोलो ना, हाँ 6800, लिख लो यहां तक फिर बात करते हैं। ठीक है, अरे बोलो बोलो, सिंपल, आगे चलें, चलिए तो यहां पर कर रहे थे तो 6800 लिख दीजिए, कितना रहा, 1,02,000, बच्चा इन तीनों में लिस्ट लेना है, 1,75,000, 10,00,000, 1,02,000, तो 1,02,000 ये एग्जेम्प्ट हो गया, तो 175 में से 1,02,000 माइनस करो कितना बच रहा है,
ये टैक्सेबल हो गया, ये टैक्सेबल ग्रेच्युटी। ठीक है क्या? चलिए ये भी ठीक ठाक हो गया, आप लोग बोल रहे हैं। पेज 304 में चले जाओ, पेज 304 सम नंबर 85। हाउस प्रॉपर्टी क्या है तुम्हें? हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का सारा क्लॉज वो याद ही होगा। पेज 304 ये लो, आ गया 304। अच्छा, सैलरी में और भी बहुत सारा चीज है। मैंने क्या कहा, लीव सॉरी बोलते हैं वो लीव कैश सैलरी याद है, वो वाला करना पड़ेगा। परक्यूजिट्स में आरएफए था, वो करना पड़ेगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। उसके बाद तुम्हारा वो मोटर कार वाला प्रोविजन था, मतलब वो क्या बोलते हैं, पूरा होम पर्सनल पर्पस के लिए, बोथ पर्पस वाला, याद आ रहा है? उसके बाद वो एसेट ट्रांसफर कर देते थे, यूज करने देते थे, एसेट सेल कर देते थे, याद है वो सब केस? वो सारा पढ़ लेना पड़ेगा। इवन प्रोविडेंट फंड्स वाला जो केस पढ़ाए थे, याद है ना? हाँ, तो प्रोविडेंट फंड वाला जो केस था, आरपीएफ एसपीएफ, याद आ रहा है? वो वाला केसेस सारा पढ़ लेना पड़ेगा। ये नहीं कि बस इतना कराए तो इतना ही और नहीं सैलरी में, सब पढ़ लेना। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, बात समझ में आ रहा है? वो सबसे भी आ सकता है आराम से। आइए दोस्त जरा सा ये सम पढ़ते हैं। मिस्टर मृणल चक्रवर्ती एंड हिज फैमिली मेंबर्स हैव ऑक्यूपाइड, क्या बोला है, 3 हाउसेस फॉर देयर रेसिडेंशियल पर्पस। लोग कर लो बात, तीन तीन घर में रहता है, ठीक है ना? अब जैसे ही बोला तीन घर में रहता है, नहीं हो सकता भैया, तुम्हारे मन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया एक ही घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हैं, और बाकी के घर का आपको क्या क्लेम करना है, डीम टू बी लेट आउट। यस, अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा तो अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके देखेंगे, और जिसमें इनकम सबसे ज्यादा नहीं ना लायक, कम टैक्स देना पड़ेगा इस इनकम के ऊपर, कमा नहीं रहे हैं, समझ में है? अभी टैक्स देना पड़ेगा तो कम सोचेंगे, यहां पर जिसमें सबसे कम इनकम आएगा वो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तीन हाउस है। अच्छा, ये तीनों हाउस कहां पर है कुछ बोला है क्या? अरे बच्चे, हाउस कहां पर है बोला है भाई? आप क्यों सोच रहे हैं ये सब बात? अरे वो अगर मेट्रो सिटी में होता है तो जीएमबी एनएमबी का कुछ चक्कर था, वो सब याद रखना है। अच्छा, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे दिया है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ही मेरा ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड दिया, स्टैंडर्ड दिया है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड, ठीक है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, अरे तो कोई काम का नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाउस वन पे इंटरेस्ट ऑन लोन इतना है, हाउस टू पे इतना है, हाउस थ्री में है ही नहीं, और रिपेयर दे रखा है, रिपेयर तो फालतू है, इसका कोई काम नहीं है। मिस्टर चक्रवर्ती बोरोड रुपीज 10 लाख एट द रेट 12% फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नंबर 3, लोन लिया कितने का, 10 लाख, उस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12%, कब लिया लोन भाई? द अमाउंट वॉज बोरोड ऑन 1/6/2007 एंड रिपेड ऑन 17/9/16। भाई 17/9 से हमको क्या कर रहा है, मेरा प्रीवियस ईयर तो बोल मुझे 15/16 है, 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16, मेरे एग्जाम्पल में तो पूरा साल मेरे पास लोन था, तो भैया इंटरेस्ट भी तो पूरा साल का देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द हाउसेस कंप्लीटेड ऑन, क्या बोला है, 1/4/13, और सारा घर 1/4/13 को खत्म हुआ, 1/4/19 के बाद है। हाँ तो भैया जो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा ना, उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना ले पाएंगे, 2 लाख, और बाकी जो लेट आउट ट्रीट करेंगे, डीम टू बी लेट आउट, उस पर कोई लिमिट नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ, क्या लिखा है, मिस्टर मृणल चक्रवर्ती फॉर द असेसमेंट ईयर 16/17। देख सम कितना आसान कर दिया, ऑन द एजम्पशन दैट ही ट्रीट्स द थर्ड हाउस एज, बचा दिया ये लोग, बोल दिया कि थर्ड हाउस को क्या ट्रीट करो,
सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी बाकी जो दोनों घर हैं बच्चे वो क्या माना जाएगा, डीम टू बी लेट आउट। सच्ची मुच्ची में तो लेट आउट नहीं है, तो क्या ट्रीट करेंगे, डीम टू बी लेट आउट। और डीम टू बी लेट आउट में याद कर, जो आरईआर आता है वही वही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाता है, याद है या नहीं है? ठीक, तो चलिए एक एक करते हैं। सुनिए, जब करने जा ही रहे हैं तो सबसे पहले तुमको जीएवी लगता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाउस थ्री का तो चाहिए नहीं क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ये तो एनएवी नहीं लो जाएगा अंडर सेक्शन 23(2)(a)। तो बाकी दो घर का पहले ना जीएवी निकाल लेते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिए दोस्त फटाफट निकालते हैं, आइए दोस्त आइए फटाफट। सुनिए ना दोस्त, हम लोग कर रहे हैं सम नंबर 85, पेज 304। चलें दोस्त फटाफट। हाँ हाँ भैया बोलिए ना, जल्दी से बोलिए ना। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मैं दोनों घर का निकाल लेता हूं पहले। हाउस कौन कौन सा, वन और टू, क्योंकि थ्री तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर रहे हैं। आइए दोस्त, चुन चुन के लिखेंगे दोस्त, चुन चुन के। क्या कर रहा बच्चे, इसमें नहीं हो साहब, तुम तो एकदम रट्टी लिया एकदम। मैथ का जिंदगी भर काम आएगा ये डायलॉग। नहीं वो सीजी का बात करने कोशिश कर रहा है, उसमें बताए थे ना इंडेक्सेशन में। चलिए दोस्त सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, कुछ नहीं बोला तो नॉन मेट्रो सिटी, तो जो ग्रॉस है वही नेट है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ था। मैं एक एक घर का कर रहा हूं पहले, मैं पहले हाउस वन करना चाहता हूं, बाद में हाउस टू, तो तकलीफ होगा। हाउस वन का 8 लाख दिया हुआ है, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू के साथ क्या चेक करेंगे, फेयर एंड, फेयर एंड कितना दिया हुआ है 18 लाख, विच एवर इज हायर, इन दोनों में हायर देखो 18 लाख। अब इसके साथ क्या कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 15 लाख। अब हायर और स्टैंडर्ड रेंट में विच एवर इज लोअर को क्या बोलते हैं, आर यार रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लोअर, कितना लोअर कौन सा 18-15 में 15। हम लोग एक्चुअल रेंट फिर कंपेयर करते थे, किंतु भैया ये तो सच्ची मुच्ची में लेट आउट नहीं है, तो एक्चुअल रेंट है ही नहीं, तो जो अपना आरईआर है ना बच्चे वही अपना क्या बन जाएगा, जीएवी। तू ही मेरा आरईआर और तू ही मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर सच्ची मुच्ची में लेट आउट होता एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते और विच एवर इज हायर लेते, याद है ना, और वो वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट तो तुमको पता ही है, तो उसका तो कुछ बात ही नहीं करना। ठीक है क्या, हाउस टू का करो, तो हाउस टू
ओके क्या बंधु दूसरा वाला कर लिए ना। अच्छा सुना फटाफट, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था? 15 लाख। फेयर रेंट कितना था जल्दी बोल? 22.5, विच इज हायर 22,50,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना? स्टैंडर्ड रेंट 18 लाख। 22,50 एंड 18, विच एवर इज लोअर कौन सा है? 18 लाख। तो यही है ना, और यही आ रही है और यही मेरा जीएवी। क्यों जीएवी ये बन गया? क्योंकि ये सचमुच में लेट आउट नहीं है, ये डीम टू बी लेट आउट है। हो गया बात। चलिए कैलकुलेशन, एक मिनट रुक जा, कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा क्या निकालने बोला था? टोटल इनकम निकालने बोला था ना, तो हम भी टोटल इनकम लिख रहे हैं। सुना, और अच्छा बात है पूरा सम तुम भी पढ़ा है। हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई बात बोला ही नहीं था। जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा वही मेरा क्या बन जाएगा? टोटल इनकम, क्योंकि और कोई हेड का इनकम तो दिया नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ही लिखते हैं, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर, क्या नाम है, मृणल चक्रवर्ती फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17। मैं बार बार बोल रहा हूं असेसमेंट ईयर के लिए मैं एवाई लिख रहा हूं, आप मत लिखना एवाई फेवाई, नहीं तो मार्क्स कट जाई। हाँ वही रहीम कर रहा था वाई के साथ। बोली ना, हाँ देख लिए कल ही देखे, अच्छा था करने। बोला तो तुम लोग एग्जाम देने जाता है ना, तो हम खुश हो जाता है, थोड़ा शांति मिलता है। ये दो इनर कॉलम ले ले, चलिए एक करके। हम पहले कौन सा हेड कर रहे तुम जानते हो ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यही तो निकाल रहे हैं। भाई ऐसे हेड तो कभी देते नहीं थे। अरे टोटल इनकम निकाल रहे हैं ना, टोटल इनकम के तो हेड मेंशन करना पड़ता है। अच्छा बात है कि एक ही हेड होगा और कोई हेड है ही नहीं, तो इसलिए पहले हेड लगा दिए, समझ रहे ना बात। चलो भी हम नहीं लगाए, हम भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्त, हाउस वन, इसको क्या ट्रीट करने बोला है? डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड टू बी लेट आउट, मैं स्टेप्स वाला बोल रहा हूं। पहले क्या जीएवी लिखते थे ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी अभी एकदम ताजा ताजा तुम निकाला है जीएवी, देखा अभी निकाला, ये हाउस वन का यही है 15 लाख, तो जीएवी 15 लाख, समझ गया ना। जीएवी से याद कर अपने लोग लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स पेड, म्यूनिसिपल टैक्स पेड जो पे किए हैं, कैश बेसिस में होता है। हाँ सब में देख दिया हुआ 1,20,000, तो म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिए 1,20,000, करके कितना रहा है 13,80। इसको क्या बोलते हैं याद है? नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से फिर क्या करेंगे? लेस डिडक्शन, पहला अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ कितना परसेंट है? 30%। किसका 30%? भैया एनएवी का, आप समझ पा रहे हो, एनएवी का 30%, एनएवी का 30%। तो 13,80,000 इंटू कितना परसेंट? 30%, कितना रहा है? 4,14,000। और अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन देता है,
इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन तो भाई जितना पे किएगा उतना ही हो जाएगा। कितना पे किए थे? 75। तो 75 था ना इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक ही है 75। तो दोनों मिला मूल्य के डिडक्शन कितना हो गया? 4,89,000। 4,89,000, ठीक है भैया। एनएवी से ये डिडक्शन माइनस कर दिए तो कितना बच रहा है? 13,80,891। आउटर कॉलम भेज दे, ये क्या अपना इनकम फ्रॉम हाउस वन, तो लिख देना यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस वन वेवी लाइंस। अब ऐसे ही दोस्त जल्दी जल्दी हाउस टू, हाउसफुल टू नहीं बोला भाई, हाउस टू। हाँ ये भी तो डीम टू बी, ए डीम टू बी लेट आउट, गेट आउट नहीं बोले लेट आउट। गुटरगू चालू हो गया इन लोग का, मैं थोड़ा सा देर होता नहीं है कि कुटरू 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 चालू। चलो जल्दी जल्दी ग्रॉस एनुअल वैल्यू थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, लगता है स्लो हो गया भैया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू अपने लोग अभी वर्किंग करके निकाले थे कितना रुपया? 18,00,000 यही निकाले थे ऊपर में 18,00,000। तो जाओ बैठो, जाओ जाओ जाओ। 18,00,000 लेस म्यूनी सिपल टैक्स पेड, पेड फिगर चाहिए कितना पे किया? म्यूनिसिपल टैक्स पेड 1,50,000। ओ सुनो 1,50,000 लिखा, 1,50,000 18 माइनस 1,50,000 कितना होता है? कतो 16,50,000 सोलो। ए जल्दी नेट 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 एनुअल वैल्यू, ए वैल्यू ठीक है नेट एनुअल वैल्यू। लेस 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 डिडक्शन डिडक्शन लेस डिडक्शन क्या अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 55% है ना। अरे पहला घर में 30 और दूसरा में तो 55 होता है ना, मतलब पागल वागल हो गए हैं 30 होता है क्या सब बोल रहे हैं भगवान जानता है। अंडर सेक्शन 24B क्या क्या बोलते क्या बोलते क्या बोलते? इंटरेस्ट ऑन लोन, बहुत बढ़िया। दूसरा घर पे इंटरेस्ट ऑन लोन 1:10 था शायद, 1:10 था ना, बोलो 1:10। बस तो 4,95 प्लस 1:10 कितना 6,5 नेट कर ले बच्चे। छह लाख पांच और होता 16,50 ना 10,45,000। हाँ लिख दे इनकम फ्रॉम हाउस टू, इनकम फ्रॉम हाउस टू वेवी लाइंस। चलो 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 अरे कौन सा हाउस थ्री, आप लोग करो खुद से ना हाउस थ्री, सब चीज हम ही करें क्या? हाँ भैया हम लोग खुद करेंगे, आप मत कीजिए प्लीज। ओके
हो गया क्या? चलो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए क्या रूल था आपको शायद याद है नहीं, वो पता नहीं। हाँ क्या लिखते हैं, नेट एनुअल वैल्यू क्या लेंगे, निल। सिर्फ निल लिखने से नहीं मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, लिखना पड़ेगा अंडर सेक्शन 23 2A और लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन क्या 24B। सिर्फ 24B मिलेगा ना, ऐसे लिख रहे डिडक्शन जैसे स्टाइल से लिख रहे थे, अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके लिए कुछ बोला था, एक बार पढ़ लेते हैं वापस से, कहा गया, ये लो क्या दिया था पढ़ो तो जरा। मिस्टर चक्रवर्ती बोरो 10 लाख एट द रेट 12% पर एनम फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नंबर 3। द अमाउंट वॉज बोरोड, कब बोरो किए, 1/6/2007 एंड रिपेड ऑन 17/9/2016। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द हाउसेज वेर कंप्लीटेड ऑन 1/4/2013। हाँ तो क्या किया जाए बताओ, ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन ले आ गया। अच्छा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट के लिए दो था, एक तो 2 लाख का ऑप्शन था और एक 30,000 का। कौन सा 2 लाख का था, कौन सा 30 का था याद है क्या? 95 से 1/4/1990 99 के पहले के अगर लोन है या उसके पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ऐसा तो कुछ था ना, कितना 30,000, बस इतना ही था पॉइंट, ये और भी कुछ पॉइंट्स था भैया भूल गया, थोड़ी ना इतना याद रहता है, अब पागल वागल है क्या? देखिए दोस्त मैं आपको याद दिला देता हूं, बोलना चाहता है तो बोल, कौन मना किया, और भी पॉइंट था, बोल, ठीक बोल रहा है। बंधु ये था देखो, वेर लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/99 एंड द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, लोन इज यूटिलाइज फॉर क्या बोला है, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस ऑन और आफ्टर 1/4/99, सच कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन इज कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स, 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए लोन लेने से, ठीक है ना, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल इन विच द कैपिटल वॉज बोरोड, जब लिए थे उसके एंड से 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए। लेंडर सर्टिफाई सच इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, मतलब जो लोन है वो सिर्फ इसी काम के लिए हुआ है। सुनना एक एक करके क्लॉज पे ध्यान देना, बच्चे लोग एक एक करके जरा क्लॉज पे ध्यान देंगे। लोन तो 1/4/99 के बाद ही लिया है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी तो 1/4/99 के बाद ही हुआ है, लोन को यूज किया है कौन से पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन, सारा ही तो ठीक लग रहा है, किंतु एक पॉइंट में खरा नहीं उतरा। हम लोग बोले थे लोन लेने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है ना, उसे 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाना चाहिए। लोन लिए थे 1/6/2007, 1/6/2007 के बाद ईयर खत्म कब होगा, 1/6/2007 के बाद ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च 2008, यहां से 3 साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन। 3 साल अगर सोचें तो 31/3/8 के बाद 9/10/11 यानी कंस्ट्रक्शन 2011 मार्च के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, और हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, लोन रिपेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कब खत्म हुआ है, 1/4/2011 के अंदर तो 3 साल पूरा हो गया, यानी इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में 3 साल से ज्यादा लग गया। और भाई अगर 3 साल से ज्यादा लग गया तब तो हम लोग 2 लाख का डिडक्शन नहीं दे पाएंगे, मैक्सिमम कितना का मिलेगा, 30,000 का डिडक्शन। लोन है 10 लाख, उसके ऊपर 12% होता है 1,20,000, 1 साल का इंटरेस्ट दिए जरूर 1,20,000 है, किंतु डिडक्शन 120 नहीं मिलेगा, डिडक्शन सिर्फ कितना मिलेगा, 30, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 3 साल से
ज्यादा लग गया। बात समझ में आ गया? तो इस बार जब इंटरेस्ट लोन का डिडक्शन लेने जाएंगे बच्चे, अरे वो बच्चे जब इंटरेस्ट लोन का डिडक्शन लेने जाएंगे हाँ, तो कितना लेंगे 30। तो इधर चला जाएगा बाहर 30, नील माइनस 30 कितना होगा -30। नील -30 करने से क्या आएगा -30। रुक जा, इसको ठीक करते हैं। ये ले -30। और कुछ हाउस वाउस बचा है? नहीं। अब इन तीनों हाउस का इनकम को टोटल कर लेंगे, यही मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और यही मेरा टोटल इनकम भी है। तो चलो तीनों हाउस का टोटल करते हैं। मेरा बात समझ रहे हो ना? तीनों हाउस के लिए टोटल ये लो, मैं कैलकुलेटर चला रहा हूं। 8,91,000 प्लस 10,45,000 -30, 19,06,000 आ रहा शायद। अच्छा, मैं इसके स्ट्रेट में लिखना भूल गया, तुम लोग लिख देना इनकम फ्रॉम हाउस थ्री, ठीक है ना? और लास्ट में ये जो आ जाएगा ये टोटल इनकम ही लिख दो। यही मेरा क्या निकल गया? टोटल इनकम। जल्दी से देखिए ठीक है क्या, बोलिए दोस्त। ठीक है क्या? अच्छा, इसमें और भी टाइप्स ऑफ सम आपको करना पड़ेगा। ये तो यहां बोल दिया था कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कौन सा डीम टू बी लेट आउट है। हम एक सम कराया था, याद होगा वो 2003-2005 में आया हुआ सम है, जिसमें आपको तीन तो घर दे दिया था, एक तो लेट आउट था, बाकी दो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो उसमें डिसाइड ये करना था कि कौन सा डीम टू बी लेट आउट, कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड, उस टाइप का सम कर लीजिएगा। और जो सिंपलर वर्जन ऑफ सम है ना, कि सारा ही लेट आउट प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस के लिए दिया, कोई इसके लिए दिया है, उस टाइप का सिंपलर सम्स भी देख लीजिएगा। बात समझ में आ गया? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वाला भी देख लेना, करवाए थे याद है, वाला भी देख लेना। आइए अब आप पेज नंबर 485। हाँ जी दोस्त, सबके लिए। पेज 485 में चलिए आप, कैपिटल गेन में आते हैं थोड़ा। कैपिटल गेन बोल के एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी सा है। सम नंबर 37, ऐसा लग रहा है यही वाला सम इस बार आ रहा है, पता नहीं क्यों। मिस्टर बनिक, पेज 485, पेज 485, सम नंबर 37, पेज 485 पहुंच गए सबको बुक में? अरे बोलो, सम 37। मिस्टर बनिक फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट हावड़ा और एक गोल्ड, दोनों ही तो मेरा प्रॉपर्टी में ट्रीट होता है। दोनों का ही अगर सेल होता है तो उससे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म याद होगा, 36 मंथ्स के अंदर अंदर अगर बेच दें शॉर्ट टर्म, 36 मंथ्स ज्यादा होता है लॉन्ग टर्म। एक्सेप्शन था शेयर वाला, याद है 12 मंथ का था। डेट ऑफ एक्विजिशन 10 दिसंबर 1996, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसने 6,00,000 दिया है। डेट ऑफ सेल दिया है 15 मार्च 16। 96 से 16, तीन साल से ज्यादा है 36 मंथ से, तो इसमें जो आएगा वो लॉन्ग टर्म है। सेल प्रोसीड्स कितना दिया है 34,00,000, वही सेल कंसिडरेशन जिसको बोलते थे। ब्रोकरेज से दिया 2% ऑन सेल प्रोसीड्स, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर याद है क्या? गोल्ड में दिया, खरीदे 2008 में, बेच रहे 2015, ये भी तो लॉन्ग टर्म हो गया। 8,00,000 तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, किंतु सेल कितना हुआ है 25,00,000। यहां तक तो ठीक ही है, कोई दिक्कत का बात है क्या? देखो जरा प्लीज, कोई डाउट है अभी तक? नहीं। आगे और क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15-16 मिस्टर बनिक परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट श्याम बाजार, बगल में खरीदा है 12,00,000। कितना में खरीदा है 12,00,000। भाई अगर एक हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं और तीन साल के अंदर अंदर कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं,
तो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिलता है, याद है ना, कितना जितना रुपया इन्वेस्ट किया वो, या फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आया उस घर को बेच के वो, विच एवर इज लोअर। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर सेक्शन 17। अब दोनों ही तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या जो भी आएगा, तो लॉन्ग टर्म ही है। चलो फटाफट करते हैं, स्टाइल तो तुमको सिखाया वही है, तो सिखाने का तो कोई बात है नहीं तुमको। इंडेक्सेशन होगा या नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन पक्का होगा, ठीक है। इंडेक्स थोड़ा मोड़ा याद करके जाना, हाँ ठीक रहेगा। दिया रहता है किंतु कभी कभी नहीं देता है, तो बगल वाला ठीक नहीं बोलेगा तो तकलीफ हो जाएगा तुमको, इसलिए पहले देख के जाना थोड़ा। क्या नहीं बोला बंधु, ए कैलकुलेशन ऑफ, इसमें तो लॉन्ग टर्म ही आएगा, ऐसे लिखते कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर बनिक फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17, असेसमेंट ईयर 16-17। तुम लोगों को तो मेरा स्टाइल पता ही है, उस स्टाइल से ही करेंगे फिर जो आज जसराज पगला गया है। ए डी टेल्स और एक अमाउंट, एक कौन सा पहले बिका है, गोल्ड पहले बिका है या हाउस पहले बिका है, गोल्ड पहले बिका है। अरे ठीक बोल रहे हैं ना, बोलता ही नहीं है लोग तो, कैसा बच्चा है रे। तो चलो ना, हम लोग पहले गोल्ड बेचते हैं और फिर हाउस बेचते हैं। पहले हेडिंग दिए गोल्ड, मैं थोड़ा फॉर्मेट भूल गया, थोड़ा याद दिलाओ तो पहले क्या लिखते हैं, सेल कौन सी ड्यूरेशन, अच्छा सेल कंसिडरेशन कितना था 25 लाख। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं डेट देख के करता हूं कि पहले बेचे तो पहले प्रॉफिट आएगा, बाद में बेचे तो बाद में आएगा, पर ऊपर नीचे करने से कोई मार्क्स नहीं कटेगा, डोंट वरी। लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं है गोल्ड को बेचने में, नहीं। ये जो 25 लाख आता है ना, ये जो 25 लाख आता है ना, हाँ तुम लोग नहीं बोले तो अच्छा नहीं लगता ना, बोलते रहो अच्छा लगता है। नेट सेल कंसीडरेशन खत्म नहीं हुआ, यहां से लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोला अच्छा नहीं लगा, हाँ लॉन्ग टर्म है ना, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 8 लाख है, एक्वायर कब किए थे, मेरे ख्याल से 8-9 में किए थे, राइट ये 8-9 होगा ना, देख ले खुद, ले खुद देख ले भाई, हमको नहीं पता। तो 8-9 का इंडेक्स तो निकालना ही पड़ेगा, 8-9 का इंडेक्स है 582 शायद, तो डिवाइड बाई 582, और हम लोग का करेंट ईयर है 15-16, तो 15-16 का है 1081। एट लाख इंटू 1081 डिवाइडेड बाई 582, 148592, इनर में लिख रहा हूं 148592, नहीं 592 नहीं सॉरी 5911, अच्छा मैं एक पॉइंट इधर उधर देख लिया, सॉरी वो वन का जीरो था, वो पॉइंट डायरेक्ट देख लिया, ये चश्मूला लोग को यही दिक्कत है। चलो एनीवेज, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद होगा कौन सा बोलता हूं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। गोल्ड में कोई इंप्रूवमेंट हुआ था क्या, नहीं। 1485911 25-1485911 फोन नंबर लग रहा देख के, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना,
1014089 ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गोल्ड है। ढेवड़ियों ढेवड़ियों ये ढेवड़ियों करा ढेवड़ियों ये हम एलटीसीजी लिखा, तुम पूरा लिखेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नहीं तो जीरो मिल जाएगा, हम बता दिए हैं। मैं क्या जीरो जीरो हुल देते रहते, नहीं लिखेंगे, जाइए मत लिख, वही तो बोला मत लिख, अच्छा बात है, और ट्राई करके देखना कैसे क्या होता है एक बार, खतरों के खिलाड़ी ट्राई करो। अब एक तो बेच रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी भी बेचेंगे, सब बेच डालेंगे, चलो बेच दो, सब बेच दो, सब बेच दो। सबसे पहले सेल कॉन्सीडरेशन, आई मीन सेल वैल्यू 34 लाख है, चौतीस लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, एक तो ब्रोकरेज बोला है ना, कितना परसेंट, 2% सेल वैल्यू का, तो 34 लाख का 2% 68,000 माइनस करके आ रहा है 33,32,000। हाँ नेट, ए नेट सेल कंसिडरेशन, सेल कौन सी डरेशन, माइनस ए माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसन ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 लाख था, एक्विजिशन ईयर हुआ था 96-97, चेक कर दो, एक्विजिशन ईयर था 96-97 और 96-97 का इंडेक्स है 305 और करंट ईयर का इंडेक्स है 1081, 6 लाख, हाँ वही उल्टा लिखे ना हमको, हम करते वक्त ठीक कर रहा है कैलकुलेटर में, 1081 डिवाइड बाय क्या था 3, हाँ लिखने में उल्टा लिख दिए, इंटू 1081 डिवाइडेड बाय 305 जी आ रहा बच्चे 2126557 एम उल्टा लिखा था, तुम ठीक कर लिया ना 1081 बाय 305, हाँ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलो नील 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 21,26,557 21,26,557 कितना आ रहा है भैया 12 लाख, अच्छा इनर में लिखो ये वाला 12,05,443, ए रुको रुको इनर में लिखो, बोलो तो इनर में क्यों लिख रहा हूं, वो एग्जेम्पशन है ना, अभी लॉन्ग टर्म आया ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन कौन सा 54, तो लेस, अच्छा ये लिख सकते हो, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, अच्छा वो कितना इन्वेस्ट किया 12 लाख और हमारे यहां पर एलटीसीजी कितना है 12 लाख से ज्यादा है, तो कितना पूरा 12 लाख रुपया हम क्लेम कर लेंगे, जितना खर्चा किए 12 लाख, ए नालायको समझ गए क्या, तो बाहर भेजो कितना रहे 5443 बस। अब अच्छा ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड हो जाएगा ना, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड किया हुआ तुम लोग बच्चा, हाँ तो बस ऐड कर दो, टेन लाख नाइनटीन फाइव थर्टी टू पूरा लिखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ए देखो तो ठीक बोलता है,
हो जाए तो बोलिएगा। अगर ये हो जाए तो पेज नंबर 522 में आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करेंगे। ए जल्दी आओ 522 में सम नंबर 12। पेज 522, पेज 522, सम नंबर 12। जल्दी जल्दी बातचीत नहीं। अरे नालायक पहुंचा, आप लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के याद है ना, बस उसी का एग्जाम है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ मिसेस बिश्वास फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17। क्या दिया जरा देखो, फैमिली पेंशन 4,500। अच्छा अगर कोई फैमिली पेंशन मिल रहा तो ऑब्वियसली इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, किंतु उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन था। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 57(2)(a) नंबर वन, मैं भूल गया, 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड, एंड नंबर टू था 15,000 फिक्स्ड अमाउंट, याद है ना, विच एवर इज लोअर उतना रुपए डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी टैक्सेबल। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी 7,000 फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034, एंड फॉरेन कंपनी से बोल रहा है 5,000, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है। सबलेटिंग ऑफ हाउस 6,000 पर मंथ, मैं सबलेटिंग समझ रहा है ना, भाड़ा पे लेके भाड़ा पे दिया, तो क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा? नहीं भैया, लेट आउट करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी, किंतु सबलेटिंग होता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 4,500, म्युनिसिपल टैक्स 2,000, तो ये सबका तो आपको खर्चा डिडक्ट करने का मौका मिलेगा, बस सिंपल सही है। तो चलिए करने का कोशिश करें। ए चलो रे चलो, चलो रे चलो, बंधु आप रेडी हैं? साथ साथ ही बैठ जाता, अलग अलग बैठे, इतना दूर बात कर रहे थे ना, तकलीफ हो रहा है, कितना दर्द हो जाएगा ऐसे। तो पेज 522 सम नंबर 12। चलो 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 चलो, ऐ चलो 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 भाई चलो चलो। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ, नाम कोई आदमी का नाम हमें क्या, मिसेस बिश्वास, ए बिश्वास है बिश्वास, विश्वास फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17। ए मिसेस बिश्वास अदर सोर्स देखते हवे, चलून आदर सोर्स देखी, आदर्श ने रे भाई, आदर सोर्स छिछोरा ही है। चलो आज जसराज फेमस होना चाहता है, समझ गए, चलो लिखो तो जरा। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन, हमारा सारा अनएडिटेड वर्जन जाता है, फैमिली पेंशन तो क्या हो गया बोलेगा, हम ऐसा ही है, अब क्या करेगा। फैमिली पेंशन 4,500 पर मंथ है ना, एक साल का 4,500 इंटू 12 कितना होगा, 54,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 57(2)(a) 1/3 ऑफ पेंशन
यानी 54,000 का वन थर्ड कितना रहा है 18, और मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम 15। इनमें से विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है 15, समझ गया बच्चा। तो 54 माइनस 15 टैक्सेबल कितना अपने लिए 39। तो फैमिली पेंशन ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चे बोल दो, दूसरा बोला था डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ब्रैकेट में लिख देना एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। भैया बाकी दो हम खुद लिखेंगे, लिखो। कर लिया क्या, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल कर लिया, डिविडेंड फ्रॉम विदेशी कंपनी कितना था, विदेशी से कितना मिला था 5-6 हजार मिला, बह खूब भालो, खत्म कहते और है, अरे भी और है तो क्या है सबलेटिंग, तो भाई कहां है सबलेटिंग, हां सबलेटिंग ऑफ हाउस था, सबलेटिंग ऑफ हाउस। बच्चे वहां से कितना रुपया मिल रहा था पर मंथ 6000, तो 6000 इंटू 12 कितना आया 72, माइनस जो जो खर्चा हुआ कर देंगे, रेंट पेड, रेंट था 4500 पर मंथ इंटू 12, 45 इंटू 12 कितना बचे 54, और एक खर्चा था म्यूनिसिपल टैक्स भी तो था 2000, टोटल 56। कितना बच रहा 16, और कुछ बचा नहीं, टोटल करो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा 60, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलो दोस्त, ठीक है क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया ना, ठीक। पेज 569 में जाइए, पेज 569 में सम नंबर 18 करेंगे, दिखाई देखे पहले, ओ लेना 569,
भैया ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का समय राइट, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपको। क्या क्या प्रोविजन था वो सब याद है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव बिजनेस गेन, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस 35 AD का लॉस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस का गेन, लॉटरी इनकम भी जो कैजुअल इनकम होता है वो किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं हो सकता, फिर बिजनेस हेड का जो इनकम है वो सैलरी हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, और एक था किसी भी हेड से एडजस्ट नहीं होता है, कैपिटल गेन का लॉस किसी भी हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता है, याद आ रहा है। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड का भी रूल पड़े थे, जितना भी इनकम है सब मोटा मोटी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, किसी के साथ भी जो हेड का होता है उसी के साथ एडजस्ट होता है, जनरली था एचपी का एचपी से एडजस्ट होगा 8 साल तक, सैलरी का कुछ नहीं था। कैपिटल गेन का कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, 8 साल तक, किंतु कैपिटल गेन का जो लॉस है वो देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो किसी भी कैपिटल गेन के साथ हो सकता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, किंतु लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ही जाएगा। बिजनेस का बात करें, अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस है तो उसका लॉस है 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है और किसी के साथ नहीं। नॉन स्पेक्युलेटिव है तो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो लॉस किसी से भी एडजस्ट होता है, मतलब स्पेक्युलेटिव या नॉन स्पेक्युलेटिव। किंतु अगर डिप्रिसिएशन के कारण लॉस है तो अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और वो किसी भी इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम, याद आ रहा है क्या? और क्या पढ़े थे एक तो, और बस मुझे मोटा मोटी यही था। तो ठीक है, एक सम जरा देखते हैं क्या दिया है। हम बोला कि अगर बिजनेस में डिप्रिसिएशन के वजह से लॉस है तो लॉस अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अच्छा हाँ, एक और था, लॉस फ्रॉम ओएमआरएच कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम ओएमआरएच, और लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 4 सालों तक। ठीक है, ओएमआरएच समझ गया ना, ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स। ठीक है, अमल फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ अमल एंड द लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम बिजनेस ए लिख दिया स्पेक्यूलेटिव है, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी ये भी लिख दिया है स्पेक्यूलेटिव है, तो स्पेक्यूलेशन का लॉस स्पेक्यूलेशन के गेन से एडजस्ट हो जाएगा। तो लॉस ज्यादा है उसके बाद भी लॉस रहेगा जो एडजस्ट नहीं हो पाएगा शायद, और अगर एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नॉन स्पेक्यूलेटिव, ये स्पेक्यूलेटिव लॉस क्या नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम से एडजस्ट हो सकता है, नहीं वो एडजस्ट नहीं हो सकता। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी एडजस्ट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं होगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस सी, बिजनेस सी जो था वो है नॉन स्पेक्यूलेटिव, तो पिछले साल का अगर लॉस है तो वो इस साल ऑब्वियसली एडजस्ट हो जाएगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पिछले साल का अगर लॉस है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट हो जाएगा, किंतु ध्यान रहे इस बार इनकम सिर्फ 20 है, लॉस कितना था 23, तो 3000 का अभी भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बस सिंपल ही तो है। तो चलिए एक एक करके करना चालू कर, इसको स्टाइल सिखाया था आप लोगों को शायद, आइए ना दोस्त लिखते हैं साथ साथ, बच्चे मन के सच्चे जरा लिखना चालू करें ना, ये पता नहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ऐसा लग रहा है मेरे को। सम नंबर 18 पेज 569, क्या हो राहुल सर तुम्हें छेड़ क्यों रहा है, बस कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालने बोला, टोटल इनकम बोला है ना, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर क्या नाम था बोल, ए मॉल, एक तो मॉल है, फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17, मैं ए वाई लिख रहा हूं, पूरा असेसमेंट ईयर लिखना, चलो ये इनर में डिटेल्स है,
और यह अमाउंट। टैक्स में बहुत मार्क्स होता है, तुम ठीक से कर पाएगा ना, मोटा मोटी ठीक से उतार देगा, बहुत मार्क्स मिलता है। लास्ट टाइम एक बच्चा लाया था, कृष्णेंदु नाम है उसका, हाईएस्ट 90 या 93 लाया था ऐसा कुछ। हाँ नहीं, लास्ट टाइम मैं बता रहा हूं, 80 से 90 के घर में देयर आर मोर देन 20 पीपल, और 70 से 80 के घर में तो भरमार था, 50-60 जने से थे। कुछ एक हुनरवान होते हैं जो 70 से भी कम थे, वो क्या उसका नंबर कम था, दो नंबर वेरी लो, 15 से 20 के बीच में बच्चे थे ऐसे, 15-20, तो ऐसा था। चलो ठीक है, देखते हैं इस बार कौन 90 टच कर पाता है। देखें आओ दोस्त, वो लोग स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, जो लोग नहीं आता है ना सब मेरे से मिलने, स्ट्रेस हो जाएगा उन लोगों को। हाँ क्या था जिंदगी में इतना चाप लेना है। आओ बंधु एक एक करके लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है क्या, लाइन से पांचवा हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी है नहीं है। नेक्स्ट हेड कौन सा होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या, तो लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये हेड है। अच्छा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे ही दिया, कूड़ी इनर में लिख रहे हैं, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस था ना 23,000, तो भाई 23 पूरा तो एडजस्ट नहीं होगा, 20 एडजस्ट हो जाएगा, तो 3 जो अनएडजस्ट होगा वो क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, तो लिख देना कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, तो 3,000 क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड। नहीं तो बहुत जन स्टाइल से यहां 20 दिखाते हैं और 3,000 का नोट देते हैं, अब उतना टाइम तुम्हारे पास है तुम कर लेना, हम तो ऐसे ही करके दिखाएगा। तो अल्टीमेटली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाहर कितना जाएगा, नील, कुछ भी नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पीजीबी भी आता है राइट, पीजीबी बोले तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस एंड क्या प्रोफेशन। स्पेक्युलेटिव नॉन स्पेक्युलेटिव दोनों है, मैं दोनों लेके करूंगा, एक एक करके करते हैं दोनों। मैं बोलता हूं पहले स्पेक्युलेटिव ले लेते हैं, स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव बिजनेस में दो है, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस ए है, इनकम फ्रॉम बिजनेस ए कितना है बच्चे 50, किंतु सुनो ना लॉस फ्रॉम बिजनेस बी भी है, ये भी स्पेक्युलेटिव है, कितना लॉस 75, 50 माइनस 75 कितना हुआ 25, क्या लॉस आ रहा है ना, ए मेरे भाई लॉस है लॉस, और ये स्पेक्युलेटिव लॉस है, इट कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेन स्पेक्युलेटिव गेन, और तो नहीं है गेन, तो क्या कर दोगे इसको कैरी फॉरवर्ड, तो लिख देना कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। खत्म नहीं हुआ, नॉन स्पेक्युलेटिव भी तो है, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस सी है ना, शायद सी नॉन स्पेक्युलेटिव है 40, किंतु रुक जाओ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, कितने का बिजनेस लॉस 25, एडजस्ट होकर फिर भी तो 15 बन रहा है, तो 15 बाहर भेज दो, ये 15 मेरा पीजीबीपी का है प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म
कैपिटल लॉस कितना है? 10,000। बच्चे लोग सुनना, मैं बोल रहा हूं ये तो और किसी से एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा, तो यहीं पर लिख देते हैं कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15, और तो कुछ एडजस्ट करने वाला है नहीं, एक बार में बाहर भेज दें, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 15,000 हो गया। क्या और कोई इनकम बचा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जैसा चीज? नहीं भैया, इनकम फ्रॉम सैलरी भी नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी नहीं है। अब टोटल प्लस कर लो, टोटल कितना रहा है? 30। इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम क्या? क्या सॉरी टोटल इनकम, सॉरी क्या सब लिख रहे हैं, टोटल इनकम, टोटल इनकम। देखो दोस्त देखो हुआ क्या, ये हो जाए तो पेज 617 में सम नंबर 32 करेंगे, पेज 617 अगर यहां तक हो जाए तो पेज 617 डिडक्शन चैप्टर में घुस गए दोस्त। 80C किए थे याद है, तो 80C का बात करेंगे अब। ये पहले होमवर्क दिए थे शायद घर में, तुम लोग कर लिया होगा शायद। एनीवेज देखिए 80C का डिडक्शन याद है ना, जितना क्वालिफाइंग अमाउंट होगा वो, मतलब एक्चुअल अमाउंट जो लगाए होंगे उसके अंदर, और 1,50,000 विच वेरी इज लोअर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन क्या बोला है 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन हिज ओन लाइफ कितना बोल रहा है? 15,000, एंड ऑन ब्रदर लाइफ 8,000। सुना, ओन लाइफ का डिडक्शन मिलता है, ब्रदर का लाइफ का डिडक्शन नहीं मिलता है। अच्छा सुना, और वो रिस्ट्रिक्शन था कुछ लाइफ इंश्योरेंस में, कितना परसेंट ऑफ सम एश्योर्ड? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड तो समय दिया नहीं है, तो मान लेंगे ठीक ही पे हुआ है, तो हम 15,000 का डिडक्शन लेंगे, किंतु ये 8,000 का डिडक्शन नहीं लेंगे। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, हाँ 80C में डिडक्शन मिलेगा। परचेज ऑफ NSC 8 इशू 15,000 डिडक्शन मिलेगा। अक्रूड इंटरेस्ट NSC 6,000 डिडक्शन मिलेगा, किंतु 6th ईयर का नहीं मिलता है, और लिखा है इंक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट, मतलब 6th ईयर का, तो 6,000 में से 2,000 हटा के 4,000 लेंगे। रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 48 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12। सुना, प्रिंसिपल पोर्शन का डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट का तो 24B में मिलता है, तो 48 में से इंटरेस्ट 12 हटा दो कितना बचेगा? 36 डिडक्शन मिलेगा। एंड ओन कंट्रीब्यूशन टू RPF इसका भी डिडक्शन मिलेगा। तो मोटा मोटी सारा ही मिल रहा है, तो फटाफट लिखते हैं ना, आइए ना दोस्त फटाफट लिख लेते हैं। सम नंबर कितना है? 32। बुक में पेज नंबर 617, पेज नंबर 617 फटाफट एक कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ, आदमी का नाम बोलो, नहीं पता, फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17। ए नहीं पता इसलिए डॉट 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 लिख रहे हैं, पर समझना गलत, मतलब गलत मत समझना, डॉट 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 बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कुछ और बोलना चाह रहा हूं, नाम नहीं पता इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया। अरे नालायको, तुम लोग घर में प्रोविजन ओविजन पढ़ा था इस बीच? इतना मार पिटाई किए थे, मार पिटाई मतलब मारा सच्ची में थोड़ी ना था, पर चलो देखते हैं क्या होता है। बंधु सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ 15,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ब्रदर लाइफ
8000 मत लिख देना, क्योंकि भैया ये वाला ईटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पीपी ए पीपीएफ 50, इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 15000, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी एक्सक्लूडिंग सिक्स्थ ईयर इंटरेस्ट, मैं ठीक बोल रहा हूं ना, लास्ट ईयर सिक्स्थ ईयर 6000 में, लास्ट ईयर सिक्स्थ ईयर का इंटरेस्ट कितना है 2000, हटा दो कितना आएगा 4000, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट होगा तो डिडक्शन मिलेगा ओनली प्रिंसिपल पोर्शन, 48 में 12 इंटरेस्ट हटा दो तो प्रिंसिपल है 36, डिडक्शन मिलेगा। ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है 10000, और कुछ है नहीं, ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ नहीं हो गया, और तो कुछ नहीं है, टोटल करो 15, 50, 15, 4, 36, 10, 1,30,000, हर बढ़ाइएगा नहीं, ये कौन सा अमाउंट है क्वालिफाइंग अमाउंट, मैक्सिमम लिमिट कितना, मैक्सिमम लिमिट बोलो बोलो 1,50,000, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C लोअर लेंगे दोनों में, 130 और 150 में लोअर कितना है 130, तो डिडक्शन अंडर 80C 130, बोलो ठीक है क्या, इसके बाद सम नंबर 31 करेंगे पेज 616 में, तुमने का फेवरेट सेक्शन आ गया 80G डोनेशन वाला था ना, तो हाँ तुमने का फेवरेट एकदम दिल के जो करीब था तुम्हारे, अच्छा उसमें दो टोस्ट आते याद है, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, कैटेगरी ए में कोई लिमिट नहीं था, कैटेगरी बी में था क्वालिफाइंग अमाउंट था मैक्सिमम का कितना हो सकता है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई मैक्सिमम बोले थे याद है क्या, और कैटेगरी ए में दो तरह का था 100% वाला 50% वाला, जोहार का बच्चा इंदिरा जी सुख याद है, हाँ तो वो 50 है और बाकी सारे 100 हैं, और ग्रुप बी में मोटा मोटी सारा ही 50 होता है, 100 एक तो फैमिली प्लानिंग था और एक तो ओलंपिक गेम वाला था, बस मोटा मोटी याद है। चलो दोस्त तो हम लोग कर रहे थे पेज 616 सम नंबर 31, जरा पढ़ा जाए ठीक है, फ्रॉम द, अरे वो बच्चे लोग, फ्रॉम द फॉलोइंग मिस्टर सईकत फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16 कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है निकालेंगे, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड ग्रुप ए या बी बस इतना बता, कैटेगरी ए, डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बी, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड ए, मेरा बात समझ रहा है ना, अच्छा डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल इन फंड ए, डोनेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग बी, ग्रॉस टोटल इनकम ठीक है और डिडक्शन अंडर 80C बोल दिया 50000, ठीक है तो उसके लिए दिया होगा, क्या बोलते हो वो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई चेक करना पड़ता है ना, शायद उसके लिए दिया होगा, ठीक है ऐसा क्या बात है, चालू करते हैं, पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन
अनु सेक्शन 80G ऑफ मिस्टर शोइकॉट फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17। मेरा फॉर्मेट बनाने का तरीका थोड़ा अलग था, बुक में जो दिया हुआ स्टेप से नहीं करता था। तुमको याद है क्या? हमको तो याद नहीं है, तुमको याद है तो कर लो, तुमको याद है तो कर लो खुद से। कॉलम तुम लोग ड्रॉ करो उसके बाद हम करेंगे, कॉलम तुम लोग ड्रॉ करो फिर हम लोग करेंगे साथ साथ। ऐसा क्या बात है? एक तो डिडक्शन का था शायद, एक परसेंटेज का था, एक क्वालिफाइंग अमाउंट और एक डोनेशन। याद आ रहा है क्या? पर्टिकुलर्स, एक डोनेशन का कॉलम था, एक क्वालिफाइंग अमाउंट, परसेंटेज, डिडक्शन। बंधु जल्दी जल्दी हाथ दौड़ाएं क्या? पहले ग्रुप ए वाला लिख ले सारा। चलो, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, सब तो डोनेशन ही है। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड कितना? 10,000 ना। पहले डोनेशन लिखते जाओ, बाद में क्वालिफाइंग अमाउंट बात करेंगे। ए ग्रुप का नेशनल डिफेंस फंड में पैसा लगाया है, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। कितना नेशनल डिफेंस फंड? 5,000। ग्रुप ए वालों को लेना है सेवा भी, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। अच्छा तुमको याद है वो बात, डोनेशन इन काइंड देने से कितना डिडक्शन मिलता है? डोनेशन इन काइंड कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, कैश में देना जरूरी है। और कैश भी, मैं कहने का मतलब है कैश अगर 10,000 के अंदर है तब तो कैश में दे दो, नहीं तो आधा धन कैश देना पड़ेगा। आधा धन कैश मतलब चेक, ड्राफ्ट, अकाउंट ट्रांसफर, पेटीएम, ये सब कर सकते हो, ठीक है ना? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कहां के? अरे यही तो 15,000 प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ए, और कोई ए नहीं और दो ठो बी है तो दोनों लाइन से लिख दो। एक तो है, तुमको याद है मेरा लिखने का तरीका था, ग्रुप बी में पहले 100% वाला लिखते थे 50, तो फैमिली प्लानिंग वाला 100% है। डोनेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, डोनेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। कितना दिया हुआ था बच्चे? 20,000। अरे वो एक जीरो कम दिया हुआ, ठीक कर लेना, 20,000 कर लेना, एक जीरो कम दिया है, 20,000। और एक है दोस्त, कौन सा बोलते हो? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ना, डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। हो गया? कितना था? अरे वो तो अमाउंट ही लिखा, 4,000। बंधु हो गया तक? चलो, ये तीन ठो तो ग्रुप ए वाला है, इनका तो जितना पेड़ उतना ही क्वालिफिंग अमाउंट, मतलब ये पूरा 10,000 क्वालिफिंग अमाउंट, ये 5,000 और ये 15,000। ग्रुप बी में एक्चुअली पे हुआ है 24,000, किंतु क्वालिफाइंग अमाउंट होता है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, मैक्सिमम लिमिट है, या फिर ऐसे बोले 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और ये 24,000, विच एवर इज लोअर उतना रुपया क्वालिफाइंग अमाउंट होगा, तो वो चेक कर लेते हैं दोस्त, ठीक है ना? तो मैं निकाल रहा हूं, कंप्यूटेशन ऑफ लिमिट
10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई में क्या था याद है? ग्रॉस टोटल इनकम। अगर तुमको याद है तो पता नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट दिस सेक्शन। 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई के लिए जीटीआई चाहिए, जीटीआई कितना है दिया हुआ है ना, ग्रॉस टोटल इनकम 3,50,000, लॉन्ग टर्म नहीं है शॉर्ट टर्म नहीं है, डिडक्शन 80C दिया हुआ है 50, तो 10% ऑफ 30 कितना होगा 30,000। आप क्या ये बात समझ पा रहे हो? पर एक्चुअल कितना था, एक्चुअल 24,000 था, मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? तो क्वालिफाइंग अमाउंट विल बी लोअर, लोअर कितना है 30 और 24 में लोअर कितना है, मतलब ग्रुप बी का क्वालिफाइंग अमाउंट है 24,000, ग्रुप बी का क्वालिफाइंग अमाउंट है 24। हां भैया, तो ग्रुप बी का क्वालिफाइंग अमाउंट 24 है तो क्या बोलिए? तो आइए भैया ग्रुप बी में आपको समझाते हैं, हो गया क्या? क्वालिफाइंग अमाउंट लिख लिया सब, अच्छा जरा लिखो। देखो ऐसा है, ग्रुप बी में हम 24 ही क्वालिफाइंग ले सकते हैं, 20,000 पे किए थे, 20,000 यहां से मिल जाएगा, 4,000 यहां से, मतलब क्योंकि अपने लिमिट के अंदर था इसीलिए। अच्छा मान ले मेरे पास 22,000 क्वालिफाइंग अमाउंट आ जाता, मान लेते हैं अज्यूम, तो 20,000 दे देते और यहां पर सिर्फ कितना था 2,000 था, पर इस बार ऐसा नहीं है, पूरा 24 ही है तो कोई दिक्कत का बात नहीं हुआ। अब आगे, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, सूखा सूखा ज्वार का बच्चा सूखा बोले थे याद है, 50%, नेशनल कोई भी है तो 100 है, फैमिली प्लानिंग 100 है, ये 50 अदर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, यस और नो? तो 10,000 इंटू 50% 5,000, 5,000 का 100 5,000, फिर आएगा 15,000, समझ रहे हो बात, 20 का 100% 20, 4,000 का 50% 2,000, बस अब टोटल कर लो 10, 25, 45, 47 आ रहा है ना, तो ये आ गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी। और भी बहुत सारा डिडक्शन है, वो सब आप पढ़ोगे जितना भी डिडक्शन चैप्टर सिखाया गया है, किंतु ये कुछ है जो सम्स में आ सकते हैं, मैंने सम्स में आने का संभावना है इसीलिए बोले। पेज 681 में सम नंबर 42 आओ, तो 681 मतलब बाप रे बाप जान ही ले लेते हैं, चलें क्या आगे पढ़ें? अच्छा नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, नहीं ठीक है चलो करते हैं ना, क्या गलत कहेगा, ठीक ही है, हाँ 6 वाला ही तो है, ठीक है, हाँ 42 छोटा सा पैरा सा मैं, हाँ छोटा सा समय दोस्त ठीक लगेगा करने में, देखें क्या क्या है, मेरे को बहुत सारा चीज याद नहीं है तो आप थोड़ा हेल्प कर देना। आइए दोस्त क्या बोल रहा है, मिस्टर घोष रॉय अ रेसिडेंट इंडियन An employee of P Limited for issues of following information. Compute his total income for the assessment year 1617.
ध्यान दीजिएगा, कौन सा इनकम? टोटल इनकम, सारे हेड का इनकम जोड़ना पड़ेगा। बेसिक पे सैलरी के बारे में बता रहा है, बेसिक पे 10,000 पर मंथ, ठीक है ये वाला। डियरनेस अलावेंस बोलता 41% ऑफ बेसिक पे, तो जो भी बेसिक पे आएगा उसका 41% डीए निकल जाएगा। डेप्यूटेशन अलावेंस 300 पर मंथ, ओह माय गॉड, डेप्यूटेशन अलावेंस कितना एग्जेम्प्ट है इसमें? ये नाम पहले कभी पढ़ा है? तो फुली टैक्सेबल, तो बताए तो थे। लंच अलावेंस 500 पर मंथ, ओ माय गॉड, लंच फुल्ली टैक्सेबल। कंप्यूटर अलावेंस 200 पर मंथ, फुल्ली टैक्सेबल। ही एंड हिज एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूटेड 15% ऑफ हिज बेसिक एंड डीए टू आरपीएफ एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 12% पर एनम वाज 6,000। अच्छा, ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जो रहेगा ना 15%, वो तो डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, किंतु एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो परक्यूजिट बन जाएगा। ठीक है, अपने को 15% मिल रहा है किंतु उसमें एग्जेम्प्ट है कुछ, बोलो कितना? 12% ऑफ सैलरी। और जो इंटरेस्ट मिला अपने को 12%, इसमें भी एग्जेम्प्ट है कितना परसेंट? 9.5% ऑफ सैलरी हो जाएगा। ये सब किया हुआ है, 10 क्लास किया हुआ यार सैलरी में, 10 ना 12 क्लास किए थे, उसके बाद भी अगर याद नहीं है तो क्या बोले आगे। ही इज प्रोवाइडेड विथ अ रेंट फ्री क्या फर्निश्ड एकोमोडेशन इन कोलकाता। अच्छा, ही इज प्रोवाइडेड विथ रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन इन कोलकाता, हैविंग अ म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ इतना एंड फर्नीचर कितना दिया भाई? कॉस्टिंग 25। भैया कोलकाता में है ना, कुछ बोला नहीं है, तो द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाई द एम्प्लॉयर। कोलकाता मतलब 25 लाख से तो ज्यादा ही होगा, तो यहां पर वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन का 15% ऑफ सैलरी, एंड हियर सैलरी मीन्स बेसिक। बस डीए बोलिए, खत्म कर दिया सब तुम लोग नालायक। बेसिक प्लस डीए था डायरेक्ट, क्या था? बेसिक बोनस कमीशन फीस डीए फॉरेन पार्ट सारा टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलावेंसेस, ये सारा लेते हैं तब सैलरी आता है, नालायक है। चलो ठीक है, और फर्नीचर दिया तो इसका 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ले लेंगे। ही इज प्रोवाइडेड विद अ कार ऑफ 1.6 लीटर, ए 1.6, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी? छोटा गाड़ी, क्योंकि अप टू 1.6 छोटा है, 1.6 से ज्यादा होने से बड़ा गाड़ी। बोथ फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज एंटायर एक्सपेंस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। ए छोटा गाड़ी तो कितना पर मंथ? 1800 पर मंथ। अच्छा ड्राइवर दिया है क्या? देता तो 900 जोड़ देते, नहीं दिया है, चलो ठीक है, तुम लोग 1800 बोला हम खुश है। ही रिसीव लीव ट्रैवल असिस्टेंस फॉर अ ट्रिप टू अंडमान 40,000 फॉर हिज होल फैमिली। लीव ट्रैवल असिस्टेंस एग्जेम्प्ट होता है, लीव ट्रैवल असिस्टेंस इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(5) अंडर सेक्शन, तो ये एग्जेम्प्ट है। एलटीसी शॉर्ट में बोलते हैं एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही इनकर्ड 20,000 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स ऑफ अ डिपेंडेंट रिलेटिव, बट ही रिसीव्ड ओनली 10,000 फ्रॉम मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। भैया 20,000 खर्चा किया है किंतु 10,000 मिल गया है, डिडक्शन का बात है। याद कर कि हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई आपका क्या बोलते हैं रिलेटिव अगर बीमार है और इस बीमार आदमी के लिए अगर आप कुछ खर्चा करते हो तो उसके लिए कुछ डिडक्शन था, वो मुझे भी याद नहीं है, तुम लोग समझ लेना, या बस यही दिला दिया कि डिडक्शन था कुछ एक्चुअल अमाउंट और कितना 60 ना 40 विच इज लोअर कुछ था ऐसा, याद नहीं कौन सा सेक्शन याद है, याद नहीं आ रहा मेरे को। तुम लोग 2 मिनट याद करना, मैं टाइम देता हूं, याद कर लेना, पर पहले दूसरा पढ़ लेते हैं उसके बाद याद करना। ही हैज टेकन एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर परचेज ऑफ अ कलर टीवी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अरे लोन दिया है उसका मालिक, फ्री में दे दिया। सुनो ना, हम लोग बोले थे याद कर, जब एग्जेम्प्टेड परचेज पढ़ा रहे थे बताए थे लोन अगर 20,000 तक है तो एग्जेम्प्टेड है, तो लोन तो 20,000 के अंदर ही है, तो ये क्या रहेगा? एग्जेम्प्टेड, कोई टैक्सेबल नहीं है। ही डोनेटेड 10,000 टू एन अप्रूव्ड एसोसिएशन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। ए प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन दिया, डोनेशन मतलब आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 क्या ABCD जी, अभी करके आया नालायक सी बोला फिर मर जा 80G, अभी करके आया डोनेशन फिर भी वही बोल रहा है, तो 80 कौन सा होगा? डी होगा, ठीक है ना दोस्त, तो मोटा मोटी तो समझ में आ रहा है। तो चलो करना चालू करते हैं, फिर जहां जहां और जो जो चीज आएगा वो चीज अपने लोग संभाल लेंगे। बंधु चलो ना, हेडिंग वेडिंग लिखना तो चालू करो।
अरे तुमको याद आया क्या वो डिडक्शन? डी डी के बाद और कुछ था, बी कितना था एक्चुअल अमाउंट स्पेंट और 40,000 और ज्यादा बुढ़ऊ हो गया ऐसा ना 60,000 विच एवर इज लोअर। अच्छा एक्चुअल अमाउंट मतलब एक्चुअली में जितना खर्चा हुआ, जैसे कि अगर अपने को इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिल जा रहा है तो वो माइनस करके, मतलब अपने केस में बोला था 20,000 का खर्चा हुआ है किंतु इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिल गया 10,000, तो नेट में कितना खर्चा हुआ है 10,000, तो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड कितना होगा 10,000 और 40,000 विच एवर इज लोअर 80DDB। ठीक है ना? ओके चलो चलो चलो, अगर प्रोविजन याद नहीं है दोस्त तो ये सपना मत देखना कि तुम सैलरी का सम सॉल्व भी कर पाएगा। इतना चिल्लाए थे याद कर, कितना तुम लोग के ऊपर हम अत्याचार किए थे उस वक्त, याद है ना? खड़ा कर करके पूछ रहे थे, हाँ फिर भी नहीं पढ़ा है तो दोस्त कुछ कर नहीं सकते। अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसा ही होता है, एक शब्द यूज करने का मन था किए नहीं। हम लोग हिंदी बोलते ढीट बोलते हैं, ढीट समझते हो? तो कुछ लोग ढीट होता है, वो ढीट ही रहेगा। चलो तो बंधु चलो चालू करो। ए कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालने बोला था इस बार, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम ऑफ मिस्टर घोष भी है रॉय भी है,